हरे कृष्ण। लेट मी नो वंस माई स्क्रीन इज विजिबल टू यू ऑल। आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस प्रभु जी। श्री नामामृता। ए डिसाइपल हु लैक्स फेथ इन हिज स्पिरिचुअल मास्टर और हु एक्ट्स इंडिपेंडेंटली फ्रॉम हिम कैन नॉट अटेन सक्सेस इन चैंटिंग हरे कृष्णा। It appears from the talks of Lord Chaitanya that a person who cannot keep his faith in the words of his spiritual master and who acts independently cannot attain the desired success in chanting Hare Krishna. In the Vedic literature, it is stated that the import of all transcendental literature is revealed to one who has unflinching faith in the Supreme Lord and his spiritual master. Lord Chaitanya firmly believed in the statement of his spiritual master and he never neglected the instruction of his spiritual master by stopping his Sankirtan movement. Thus, the transcendental potency of the holy name encouraged him more and more in chanting Hare Krishna the Mahamantra. This is from teachings of Lord Chaitanya, chapter 19. So, इसमें actually इस नामामृता में एक special pastimes का वर्णन किया है Lord Chaitanya महाप्रभु के। तो लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु, जैसा कि हम सब लोगों को पता ही है कि वो पहले निमई पंडित के रूप से जाने जाते थे। हरे कृष्ण, आई वुड रिक्वेस्ट दोज हु आर नॉट स्पीकिंग टू गो ऑन म्यूट। आई विल म्यूट देम। ओके, इन केस यू हैव एनी क्वेश्चंस और क्वेरीज, यू कैन जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन रेज इट। ओके ओके, थैंक यू। तो इस श्री नामामृता में बात करी जा रही है एक पास टाइम की, लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु की एक लीला की। लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु, जैसा कि हम लोगों को पता ही है कि भगवान कृष्ण हर युगों में आते हैं, लेकिन उनको त्रियुगी भी बोलते हैं क्योंकि फोर्थ युग में जब वो आते हैं यानी चौथे युग में, तो भगवान अपने हिडन इनकारनेशन के रूप में आते हैं, यानी कि वो प्रोक्लेम नहीं करते हर किसी को कि मैं भगवान हूँ, लेकिन जैसा कि हम लोग ने शास्त्रों में देखा, सारे शास्त्रों में, तो कि फोर्थ युग में यानी कि कलयुग में, जिसमें कि सबकी टेंडेंसी होती है, सब कोई अपने को भगवान प्रोक्लेम करना चाहता है, उस समय जब भगवान स्वयं आते हैं तो अपने को वो भगवान का भक्त बताते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जब इस भौतिक जगत में भी आए तो उन्होंने अपने को सब भगवान का भक्त ही बताया, और उन्होंने जनरली नॉर्मल पब्लिक के सामने, साधारण जन सामान्य के सामने अपना रियल पोजिशन, जैसे कि वो स्वयं भगवान कृष्ण है, वो रिवील नहीं किया। वो अगर उन्होंने किया तो सिर्फ जो उनके बहुत ही क्लोज डिवोटीज थे उन सर्कल में ही उन्होंने अपनी आइडेंटिटी रिवील करी, लेकिन आउटसाइड वर्ल्ड नहीं करी। जैसे कि हम लोगों ने देखा, जब भगवान कृष्ण आए थे तो उन्होंने हर जगह प्रोक्लेम किया, जब जरूरत पड़ी तो गोवर्धन पर्वत उठा दिया, इतने सारे राक्षसों को मार दिया। तो भगवान कृष्ण जब स्वयं आए थे तो उन्होंने पूरी तरीके से अपनी आइडेंटिटी रिवील कर दी थी। इवन भगवद गीता में भी उन्होंने बोला कि आई एम द गॉड, You surrender onto me. लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब वो स्वयं भी आए तो उन्होंने कभी भी ये नहीं बोला कि मैं भगवान हूँ। और इसीलिए इवन शास्त्रों में भी कहीं पर भी कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के आने का वर्णन डायरेक्ट रूप में नहीं मिलता, इनडायरेक्ट रूप में सब शास्त्रों में ये वर्णन मिला हुआ है कि भगवान स्वयं आएंगे और वो अपने ही नामों का प्रचार करेंगे। कल्की अवतार के बारे में वर्णन मिलता है, लेकिन कल्की अवतार एक बार एक रिपोर्टर ने श्रील प्रभुपाद से पूछा भी था कि क्योंकि कल्की अवतार फेमस है, सबको पता है कि कलयुग के अंत में कल्की अवतार आएंगे, तो किसी ने, एक रिपोर्टर ने श्रील प्रभुपाद से पूछा कि जो भी डिवोटीज हैं, जो इस्कॉन फॉलो कर रहे हैं, जो चैंटिंग कर रहे हैं, तो वो लोग भी क्या कल्की भगवान अवतार का दर्शन कर पाएंगे और उनका क्या मैसेज होगा? तो श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि एक्चुअली कल्की अवतार का कोई मैसेज नहीं होगा। उस समय तक जो भी, जब देखा जाएगा कि कोई जो भी भक्ति नहीं कर रहा है, यानी जो भी रियल में कृष्णा कॉन्शियसनेस फॉलो कर रहा होगा, जो भी चैंट कर रहा होगा, वैसे लोग कोई भी इस भौतिक जगत में नहीं बचेंगे। उस समय सिर्फ ऐसे लोग बचेंगे जो पूरी तरीके से धर्म विरोधक होंगे, तो उनका भी उद्धार करने के लिए, क्योंकि भगवान अगर मारते भी हैं तो भी इंसान का उद्धार ही होता है। तो उस समय इतने पापी जीव होंगे कि उनसे कोई भी बात करना या उन्हें कोई भी मैसेज देना impossible होगा। They will not be able to accept any message of Krishna consciousness. तो उस समय कल्की अवतार जब आएंगे तब वो सीधे indiscriminately killing करेंगे, यानी कि तलवार लेके सबको खत्म कर देंगे। तो इसलिए हम लोगों को
उसका वेट नहीं करना कि हाँ कल्कि अवतार आए और फिर हम लोगों का उद्धार हो. ऑब्वियसली इतना आसान तरीका भगवान चैतन्य महाप्रभु दे रहे हैं, देयर इज यू चैंट डांस एंड टेक प्रसादम एंड यू रिटर्न बैक होम बैक टू गॉडहेड. यानी कि इतना आसान तरीका है, आप लोग भगवान का कीर्तन करो, भजन करो, भगवान का प्रसाद खाओ और भगवान के धाम वापस जाओ. तो हालांकि भगवान का अपीयरेंस हमेशा ही पवित्र होता है, यानी कल्कि अवतार के रूप में भी आएंगे तो ऑब्वियसली अगर वो किसी का को मारते भी हैं तो भी उसके लिए भला ही है, क्योंकि इतना पाप उसने किया रहता है, और अगर भगवान के हाथों उसकी मृत्यु हो रही तो भी उसका भला ही है. लेकिन जैसे कि हम लोग ने कृष्ण भगवान की लीलाओं में भी देखा, अगर कोई भगवान का भक्त होता है तो उसकी अलग गति होती है, और अगर कोई भगवान का भक्त नहीं होता तो उसकी अलग गति होती है. यानी कि सब लोगों को भगवान के धाम में भगवान का सानिध्य करने का मौका नहीं मिलता है. जो भगवान के एनवियस होते हैं वो भगवान के संग नहीं रह पाते हैं, और जो भगवान के संग हैं ऑब्वियसली दे विल डिराइव ट्रांसेंडेंटल प्रेशर ऑलवेज. तो इस पास टाइम में लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि पहले वो निमई पंडित के रूप में जाने जाते थे, तो यानी कि हाईली क्वालिफाइड थे सब शास्त्रों में. हम लोग ने वो पास टाइम भी सुना है कि किस तरीके से उन्होंने केशव कश्मीरी को, जो कि पूरा दिग्विजयी ब्राह्मण था, यानी जिसने पूरे के पूरे विश्व में अपने विद्या के बल पे अपना परचम फैला रखा था, उसको भी उन्होंने हरा दिया था. लेकिन जब फाइनली उन्होंने अपने स्पिरिचुअल मास्टर से दीक्षा ग्रहण करी, यानी कि ईश्वरपुरी जो उनके स्पिरिचुअल मास्टर थे, जो कि माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे, माधवेंद्रपुरी के बारे में भी हम लोग ने सुना है कि माधवेंद्रपुरी किस तरीके से खीरचोरा गोपीनाथ मंदिर में गए थे, जिसका नाम ही उन्हीं के वजह से पड़ा क्योंकि गोपीनाथ मंदिर में गए थे, और किस तरीके से भगवान ने स्वयं उनके लिए खीर छुपा के रखी थी. तो माधवेंद्रपुरी के डिसाइपल थे ईश्वरपुरी, और ईश्वरपुरी के डिसाइपल थे लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु. तो लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु तो बहुत इंटेलिजेंट थे, लेकिन उसके बावजूद भी ईश्वरपुरी ने उन्हें आदेश दिया कि ये सब शास्त्रों को समझना, वेदों को समझना, ये सब सबके बस की बात नहीं. मैं तुम्हें खाली एक मेथड देता हूँ, जस्ट चैंट द होली नेम्स एंड यू विल गेट ऑल द बेनिफिट ऑफ रीडिंग ऑल द स्क्रिप्चर्स. यानी तुम सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करो और तुम्हें जितना भी शास्त्रों में नॉलेज है वो सब प्राप्त हो जाएगी. इवन उस शास्त्रों के नॉलेज का भी क्या एम है, इज टू अटेन लव ऑफ गॉडहेड. तो भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाएगा सिर्फ खाली हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से. तो उसके बाद से लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु सिर्फ भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने लग गए. तो जब वो इस तरीके से जप करते हुए अलग अलग जगहों में गए तो कई तरीके के साधु संत, हरे कृष्णा तो वो सिर्फ भगवान का कीर्तन करते हुए बढ़ने लग गए. तो उस समय बहुत सारे सन्यासी लोग थे, और मोस्टली मायावादी सन्यासी थे. मायावादी सन्यासी मतलब जो लोग निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं, जो सोचते हैं भगवान का कोई फॉर्म नहीं होता, भगवान खाली प्रकाश पुंज है. तो शंकराचार्य को फॉलो करने वाले बहुत सारे सन्यासी थे जिनको भगवान की पर्सनालिटी के बारे में कुछ नहीं पता था. वो सब सोचते थे भगवान तो एक प्रकाश है और हमें मानव जाति की सेवा करनी है, इतना ही सब उन लोगों को पता रहता. तो लेकिन शंकराचार्य जी भी जब आए थे, यानी शंकर भगवान के शंकराचार्य हिडन कार्नेशन थे, और उन्होंने क्या किया था, सब वेदों को तोड़ मरोड़ दिया था, ताकि जितने भी एथिस्टिक क्लास ऑफ पीपल हैं लेकिन वो अपने को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, और वो अगर वेदों को डायरेक्टली पकड़ने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, तो वो मायावाद की तरफ अग्रसित हो जाएं. यानी जितने भी लोग भगवान को प्रेम नहीं करना चाहते हैं वो मायावाद की तरफ अट्रैक्टेड होते चले जाएं. तो उसके लिए उन्होंने किया था. और डेफिनेटली उस समय बुद्धिज्म जो कि उससे पहले आया था, बुद्धिज्म का भी पीछे रीजन है कि बुद्धिज्म उस समय लोग वेदों को सही तरीके से समझ नहीं पा रहे थे और उसकी आड़ में एनिमल सेक्रीफाइस कर रहे थे. तो उनको रोकने के लिए भगवान स्वयं महात्मा बुद्ध की तरह आए और उन्होंने बोला कि कुछ वेदों को मानने की जरूरत नहीं है. फिर वेदों के प्रति फिर से अट्रैक्शन जगाने के लिए शंकर जी को भेजा, जो कि शंकराचार्य के रूप में आए, और उन्होंने मायावाद फिलोसफी दी. बट उनका भी एम था कि जितने भी एथिस्टिक क्लास ऑफ पीपल है उनको अट्रैक्ट करें, और फाइनली आगे चल के फिर से जो भगवान के डिसाइपल्स होंगे, यानी माधवाचार्य हो गए, माधवा संप्रदाय, तो ये सब आगे चल के आएंगे भगवान के अनंत भक्त, जो कि फिर से भगवान की भक्ति के वो रियल रूप में उजागर करेंगे, भक्ति को एस्टेब्लिश करेंगे.
तो उस समय मायावादी बहुत सारे सन्यासी थे, तो वो सब बोलने लग गए चैतन्य महाप्रभु को कि अरे ये किस तरीके से सेंटिमेंटलिस्ट के तरीके से तुम घूम रहे हो, और सन्यासी का तो ये कर्तव्य है कि वो अलग अलग शास्त्रों का अध्ययन करे, और तुम हो कि सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हो। तो उन्होंने बोला कि एक्चुअली मेरे स्पिरिचुअल मास्टर ने मुझे आदेश दिया कि मैं बहुत ही बड़ा मूर्ख, तो मुझे कुछ भी समझ पाना एकदम भी आसान नहीं है। तो उन्होंने मुझे एक ही चीज बोली कि तुम बस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, और बस उतना ही करना तुम्हारे लिए बहुत है, उतना ही करोगे तो तुम्हें सारा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो उसके बावजूद हम लोग एक आगे और भगवान की लीलाएं हैं कि किस तरीके से बहुत बड़े बड़े शास्त्रों के ज्ञाता लोगों ने उनको चैलेंज किया, और किस तरीके से वो लोग ने जब मायावाद थ्योरी में श्रीमद् भागवतम या वेदों का अलग अलग व्याख्या करने की कोशिश करी, तो किस तरीके से चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें करेक्ट भी किया, क्योंकि ही वाज कृष्णा हिमसेल्फ। सो उसमें से एक थे सार्वभौम भट्टाचार्य, जो कि मायावाद फिलोसफी फॉलो करते थे। तो उन्होंने उसको महाप्रभु को बैठा लिया और उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें वेदों की व्याख्या, यंग सन्यासी हो, बगैर वेदों की नॉलेज के तुम्हारा क्या होगा। और उन्होंने अलग अलग तरीके से उन्हें मायावाद फिलोसफी के टर्म्स में वेदों को समझाने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन फाइनली चैतन्य महाप्रभु ने उनको रिवील किया कि किस तरीके से हर जो भी स्क्रिप्चर में एक एक श्लोका है उन सबका किस तरीके से किस तरीके से वो भक्ति से परिपूर्ण है, जिसे मायावादी समझ नहीं पाते। तो उन्होंने एक एक श्लोक को 64 तरीकों से एक्सप्लेन करा। तो जब तब सार्वभौम भट्टाचार्य को समझ में आया कि कोई साधारण इंसान नहीं है, एंड देन फाइनली क्योंकि वो इतने बड़े पंडित थे और कुछ लोग जो कि चैतन्य महाप्रभु के प्रिय डिसाइपल थे, वो लोग जानते थे कि जितने भी शास्त्रों में जितने भी वर्णन मिल रहे हैं, भले वो गरुण पुराण हो या भले वो अग्नि पुराण हो या जितने भी पुराण हैं या श्रीमद् भागवतम है, वो जिस इंसान की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो आएगा और भगवान की भक्ति करेगा, तो उसका स्वर्ण जैसा शरीर होगा, जो नवदीप मायापुर धाम में जन्म लेगा, जिसकी माता सच्ची देवी होंगी, वो सब कोई इसी इन्हीं की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं, यानी कि ये स्वयं ही भगवान का इनकार्नेशन, यानी स्वयं कृष्ण है। तो उस समय सार्वभौम भट्टाचार्य ने भी सारे के सारे शास्त्रों को निकाल के उसका अध्ययन करना शुरू किया, और तब वो समझ गए कि ये जो मेरे सामने है, जिन्होंने अभी मुझे एक श्लोक को ही 64 भागों में विभाजित करके उस भक्ति से परिपूर्ण बताया, वो कोई और नहीं, स्वयं भगवान कृष्ण है। तो तब उन्होंने जाके उनसे क्षमा याचना करी, तब भगवान ने उनको अपना असली रूप भी दिखाया। लेकिन जो इस समय हम लोगों की बात हो रही, वो उस समय भगवान भी अपने पास टाइम में बता रहे हैं कि अगर सिर्फ कोई अपने गुरु पे पूर्ण रूप से श्रद्धा रखता है, और गुरु बताते हैं, यानी कि जो भी इस डिसाइपलिक सक्सेशन में गुरु, वो सब एक ही चीज बोल रहे हैं कि अगर कोई सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का जप करे, तो पूरी तरीके से सब शास्त्रों का एम भी यही है कि इंसान किस तरीके से इग्नोरेंस से बाहर निकले, उन सभी शास्त्रों को वो कहे शास्त्रों का जो मर्म है, यानी कि जो उसका तात्पर्य है, उसको समझ सकता है और उसका और लव ऑफ गॉडहेड अटेन कर सकता है। तो इसलिए जितने भी गुरु हैं, वो सब एक ही बात बोल रहे हैं कि हम सब लोगों को ध्यान पूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, और अगर किसी के मन में पूरी तरीके से गुरु के प्रति और कृष्ण भगवान के प्रति श्रद्धा है, तो डेफिनेटली जो भी शास्त्रों में है वो उसको ना कि ओनली समझ पाएगा बट रियलाइज कर पाएगा। तो समझना एक चीज होता है, हम लोग पुस्तकें पढ़ते हैं या कुछ भी पढ़ते हैं, वो तो समझ में आने लगता है, लेकिन अगर कोई हरे कृष्ण महामंत्र जब भी करेगा तो उसको रियलाइज कर पाएगा, यानी उन चीजों को देख पाएगा जो भी शास्त्रों में लिखी है। तो अगर हम सब लोग ये देखना चाहते हैं कि शास्त्रों में जो लिखा है वो सच है, वो हम लोग अपने जीते जी देख भी सकें, तो ऑब्वियसली हम लोगों को ध्यान पूर्वक जप करने की जरूरत है। तो हम लोग इसी के साथ एक राउंड हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे। आप सब लोग अपने को अनम्यूट कर सकते हैं, एंड देन वी विल स्टार्ट द चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा, आप लोग अनम्यूट कर लीजिए। और सब लोग एक बार रिपीट कीजिए, क्योंकि ऑब्वियसली कई बार होता है कि हो सकता है इस समय ऑब्वियसली मटेरियल एनर्जी इतनी स्ट्रांग है कि अगर कोई भक्ति के मार्ग में बढ़ना भी चाहे तो बहुत ही मुश्किल है, उसे बिल्कुल समय नहीं मिलता है जप करने का। तो एटलीस्ट जब सैटरडे को हम लोग सेशन अटेंड कर रहे हैं, हम में से कई सारे लोग उस समय एटलीस्ट चैंट करने की कोशिश कर सकते हैं ध्यान पूर्वक, और एक बार भी भगवान का नाम लेने से हम लोग प्यूरिफाई होते हैं, तो अपॉर्चुनिटी मिस करने की जरूरत नहीं। हम लोग रिपीट करते हैं, जय श्री कृष्णा चैतन्य, जय श्री कृष्णा चैतन्य, प्रभु नित्यानंदा,
शिवा साधिगौर भक्तवृंद शिवा साधिगौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे
हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय श्री कृष्णा चैतन्य जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्री अद्वैता शिवा साधिक और भक्तवृंद शिवा साधिक हरे कृष्णा सो आज का सेशन है नाम अपराध यानी चैंटिंग विद ऑफेंस चैंटिंग करते समय किस किस तरीके के अपराध हम लोगों से हो जाते हैं जिसकी वजह से चैंट करते समय हम लोग जो ब्लिस हम लोगों को रियलाइज करना चाहिए वो नहीं होता या फिर चैंटिंग के प्रति हम लोगों की आकांक्षा और ज्यादा नहीं बढ़ती है तो उसके विषय में आज का सेशन इलेबरेट कर रहा है हरे कृष्णा आई वुड रिक्वेस्ट ऑल नॉट स्पीकिंग टू म्यूट अगर आप लोगों को कोई भी सवाल होगा या मेरी आवाज कुछ क्लियर नहीं आ रही होगी तो देन आप लोग अनम्यूट करके पूछ सकते हैं तो आज का सेशन है थ्री स्टेजेस ऑफ चैंटिंग अब सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोगों को समझने की जरूरत है कि क्या ऐसा रीजन है कि हम लोग चैंट नहीं कर पाते अगर मैं आप लोगों से ये सवाल पूछता हूँ तो मैं उसका उत्तर जानना चाहता हूँ सभी डिवोटी से एक एक करके अनम्यूट करके आप लोग बता सकते हैं जिसको भी ऐसा लगता है कि क्यों नहीं चैंटिंग वो कर पाता है उसे समय नहीं मिलता या क्या हो जाता है या बहुत ज्यादा बिजी है हरे कृष्णा कोई भी अभी तक देखिए हम लोगों को थियोरेटिकली तो इस बात पे फेथ है ना कि चैंटिंग अगर हम लोग ध्यान पूर्वक करेंगे तो हम लोगों को कृष्णा का रियलाइजेशन होगा और बहुत से डिवोटीज जैसे कि भूषण प्रभु ने एक्सप्रेस भी किया कि उन्हें चैंटिंग करने से बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है जैसा तो अभी उनको चैंटिंग इंपॉर्टेंट समझ में आ रहा है तो हम लोग खुद भी डिवोटी एक्सपीरियंस से देख सकते हैं अपने आसपास के लोगों से कि कैसे वो लोग चैंट करके उन लोगों को बेनिफिट लग रहा है लेकिन क्यों ऐसा होता है कि हम लोग चैंट नहीं कर पाते या हम लोग चाहते बहुत हैं लेकिन चैंटिंग नहीं होती है क्यों ऐसा है कोई भी आंसर कर सकता है उसमें शर्माने की जरूरत नहीं है एक तो प्रभु जी मुझे जो प्रॉब्लम है को लगता है एक है पीस एंड दूसरा है टाइम आप बोलेंगे कि हाँ थोड़ा आधा घंटा पहले उठो वो ही मतलब मॉर्निंग में उठ के जैसे रूटीन में हो जाता है ऑफिस का काम पे जो लगते हैं या घर के काम के लिए जो लगते हैं तो फॉर विमेन आई थिंक इट इज वन बिग प्रॉब्लम व्हिच आई नीड टू ओवरकम इज दिस टाइम मैनेजमेंट हाँ देखिए मैं आपको बताता हूँ कि जो पीस की बात आपने बोली ना मटेरियल वर्ड में एक्चुअली पीस नहीं है उसका रीजन क्या है ना मटेरियल वर्ड में कृष्णा बोलते हैं कि मटेरियल वर्ल्ड में जनरली वो इंटरफेयर नहीं करते हैं उन्होंने पृथ्वी बना के दी पृथ्वी अपने तरीके से पूरी तरीके से सेल्फ सस्टेन्ड है कि अगर कोई मटेरियल एनर्जी यानी खुद भगवान बनने की कोशिश करे तो वो इस भौतिक जगत में आएगा और फिर खुद ही यहाँ फ्रस्ट्रेट होकर भगवान के धाम वापस चला जाएगा लेकिन हुआ क्या कि लोग इसी को और अपने अकॉर्डिंग बनाने के चक्कर में उन लोगों ने क्या बना दिया तो अभी हम लोग अगर किसी से भी परेशान होते हैं कि हमें पीसफुल लाइफ नहीं मिल रही उसका रीजन क्या है बॉस है हमारा बॉस भी क्यों परेशान होगा उसके ऊपर उसका बॉस है और सबकी परेशानी का कारण क्या है कि दे आर ऑल नॉट कनेक्टेड विद कृष्णा उनकी लाइफ में कृष्णा गोल नहीं है
उनकी लाइफ में भी मनी, किसी की लाइफ में फेम, प्रेस्टेज, ये सब गोल है. तो उस सबको प्रूफ करने के लिए वो क्या है, दे आर, वो खुद तो एक्सप्लॉइट हो ही रहे हैं और खुद थोड़े एक्सप्लॉइट होते हैं, नीचे जो भी उसको और ज्यादा एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं. इस तरीके से जो रैगिंग सिस्टम की तरीके से चीजें चलती चली जाती हैं, तो फाइनली जो एम्प्लॉई होता है वो एकदम रैग्ड हो रहा होता है. लेकिन ऊपर वाले को भी पूछेगा उसको पता चलेगा वो भी रैग्ड ही हो रहा है. हर लेवल पे लोगों की रैगिंग ही हो रही है. तो हमारा बॉस भी अगर हम लोग देखेंगे तो उसकी भी वही सिचुएशन होगी. तो मटेरियल वर्ल्ड में पीस मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, वो आपको समझना पड़ेगा. क्योंकि इसे कृष्णा बोलते हैं कि वो उसमें इंटरफियर नहीं करते हैं. बस खाली अगर कोई डिवोटी होता है, भगवान का भक्त होता है, तो ऑब्वियसली उसके तो भगवान उसके लिए इंटरफेयर करते हैं. और उसके लिए इंटरफेरेंस क्या होता है, उसके लिए इंटरफेरेंस ये होता है कि ऑब्वियसली उसके लिए बाकी लोगों के कंपेयर में बेटर सिचुएशन होती है. और कई लोग ये महसूस भी कर सकते हैं कि बाकियों के कंपेयर में उनका लाइफ में उतना हेक्टिक नहीं होगा. लेकिन थोड़ा सा प्रयास हम लोगों को भी करने की जरूरत है. शिल प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर कोई कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी बनना चाहे तो इस दुनिया की कोई भी ताकत उसे नहीं रोक सकती है. तो इसलिए अगर हम लोग देखें, आचार्य लोग जो बोलते हैं, उन सब लोग ने बोला कि थोड़ा स्लीप कट करने की जरूरत है. मतलब अगर हम लोग 10 घंटा सो ही लेंगे तो ऑब्वियसली उसके बाद फिर ऑफिस में तो नहीं बोल सकते कि भाई हमें चैंटिंग करनी है. ऑफिस वाला तो बोलेगा 8-10 घंटा या 12 घंटा काम करना ही है. बहुत कम कर कर करते करते भी 8-10 आवर्स हो ही जाएगा मिनिमम वर्किंग आवर्स. तो वो आप नहीं कट कर सकते हैं. स्लीप भी अगर आपने 10 आवर्स कर लिया और 10 आवर्स आपने ऑफिस का काम कर लिया तो 20 आवर्स वैसे ही हो गए. फिर 4 आवर्स में आप बाकी चीज़ें भी कुछ ना कुछ रहता ही है, बच्चों को पढ़ाना है, खाना बनाना है या पैक करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं. तो ऑब्वियसली ये 10 आवर्स जो स्लीप है इसको ही हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं. और इट्स जस्ट ए मैटर ऑफ प्रैक्टिस. अगर हम लोग प्रैक्टिस करें तो इट कैन बी रिड्यूस टू 6 आवर्स और 6 आवर्स इज मोर देन सफिशियंट. मीन्स 6 आवर हेल्दी स्लीप के लिए ऑब्वियसली बहुत है. हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि हम लोग अक्षय कुमार से भी ज्यादा हेल्दी हैं. अक्षय कुमार भी, इवन दो उसको कुछ स्पिरिचुअलिटी से लेना देना नहीं है, लेकिन तब भी वो सुबह 4 बजे के पहले ही उठ जाता है. इवन कुछ एक्टर्स की बात करें, शाहरुख खान जैसे लोग भी सिर्फ 4 घंटा सोते हैं. और हम लोगों को तो इतना कुछ लाइफ में पता है कि सिर्फ चैंटिंग अगर हम लोग ध्यान पूर्वक करें तो हम लोग भगवान के धाम वापस जा सकते हैं. वो लोग तो बेचारे जो भी अपनी एक्टिंग के लिए, जिनको हायर गोल नहीं भी पता, वो लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं. ठीक है, तो हम लोग ऑब्वियसली प्रभुपाद इसलिए बोलते थे कि कई बार हम लोग देखते हैं कि डिवोटी कर्मीज से भी कम मेहनत कर रहे हैं. कर्मीज जो कि छोटे मोटे, यानी एक समोसे बेचने वाला भी अगर आप देखेंगे तो समोसा ले लो, चाय ले लो, चिल्लाना सुबह से लेकर रात तक वो ट्रेन में बेचता रहता है कुछ पैसों के लिए, और रात भर से ही फिर लगा रहता है, समोसे बनाता रहता है, सुबह उठते ही निकल पड़ता है और समोसे बेच रहता है. यानी उसको कुछ पता नहीं है, उसको लाइफ में कुछ मिलने नहीं वाला, तब वो इतना हार्ड वर्क कर रहा है. और हम लोगों को पता है कि हम लोग थोड़ी सी मेहनत करेंगे, अगर हम लोग वील चैंट फेथफुली एंड देन वी कैन रिटर्न बैक होम बैक टू गॉडहेड, वी कैन अटेन लव ऑफ कृष्णा. लेकिन हम लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं. तो दैट इज समथिंग वो हम लोग को अपनी तरफ से डालनी पड़ेगी. पीस की जो बात रही, वो पीस एक्सटर्नली कहीं से पीस नहीं मिलेगा. पीस कैन नॉट बी डिराइव्ड. अगर हम लोग सोचेंगे बॉस के साइड से हमें पीस मिलने लगे, ऑफिस के साइड से पीस मिलने लगे, दे आर नॉट देमसेल्फ पीसफुल. तो उनका अगर हम लोग जितना भी एसोसिएशन कर लें, हाउ कैन वी डिराइव द पीस. तो पीस कैन बी डिराइव फ्रॉम वन हु इज अ मोस्ट पीसफुल पर्सन, एंड दैट इज कृष्णा. एंड कृष्णा इज ऑल्सो विद इन अस एज वेल. ही इज ऑल्सो प्रेजेंट इन हिज होली नेम्स. अगर हम लोग उनका साथ प्रॉपरली एसोसिएट करते हैं, देन ओनली वी कैन बिकम पीसफुल. तो ऑब्वियसली ये सभी का, मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपने खाली बोला है, बाकी सब लोग ही इस सिचुएशन फेस कर रहे होंगे. ऑब्वियसली इतना मटेरियल वर्ल्ड में, कलयुग में, जैसे जैसे आगे प्रोग्रेस होगा ये कलयुग, वैसे ही उतने ज्यादा इंसान के हाथों में बेड़ियां जकड़ती चली जाएंगी. श्रीमद भागवतम में लिखा हुआ है, यानी अभी हम लोग उस स्टेज में नहीं पहुंचे, आगे लिखा हुआ कि आगे चल के 20-20 घंटा लोग काम करेंगे तब जाके उन्हें 2 वक्त की रोटी मिलेगी. अभी तो हम लोगों को लगता है कि हम लोगों ने कमाया तो रोटी खाने से भी बहुत ज्यादा है, हम लोग लग्जरी भी अफोर्ड कर पा रहे हैं, थोड़ा सेव भी कर पा रहे हैं. और शास्त्रों में लिखा हुआ, कलयुग में लिखा हुआ कि आगे चल के ऐसी सिचुएशन आएगी कि लोग पूरे पूरे दिन काम करेंगे और तब सिर्फ उन्हें 2 वक्त की रोटी मिलेगी. तो फिर उस समय कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में लोग नहीं सोच पाएंगे. तो अभी जस्ट ये 10,000 ईयर्स ऐसा है कि जिसमें सिचुएशन वर्स से वर्स होते होते भी थोड़ी सी ऐसी एटलीस्ट सिचुएशन रहेगी कि लोग भक्ति करके निकल सके. इससे ज्यादा बेटर सिचुएशन अगर हम लोग सोचेंगे एकदम ही बेटर हो जाए, एकदम ही कुछ करना ही ना पड़े, तो वैसा कुछ नहीं होने वाला है. आचार्य लोग खुद भी आए हैं, यानी कि
डिवोटीज फ्रॉम द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, भले वो भक्ति विनोद ठाकुर हों या श्रील प्रभुपाद हों, अगर वो लोग भी आए तो कृष्णा ने उनके लिए भी ऐसा नहीं किया कि हाँ कि श्रील प्रभुपाद आए तो वो एकदम करोड़पति घर में उनका जन्म करा दिया कि कुछ करना ही नहीं था, सीधे भक्ति का प्रचार करना था। उनको भी हम लोगों के तरीके से स्ट्रगल कराए ताकि हम लोगों को ये प्रेरणा मिल सके कि किस तरीके से इतना सब सिचुएशन प्रॉब्लम होते हुए भी किस तरीके से डिवोटीज यानी जो भगवान का भक्त होता है वो कैसे एक्ट करता है, अकॉर्डिंगली हम लोग भी एक्ट करें। तो श्रील प्रभुपाद के केस में भी हम लोग देखेंगे उन लोगों की इतनी बड़ी फैमिली थी और इतना वो बिजनेस भी करते थे, उनको गुरु महाराज ने इंस्ट्रक्शन दिया था कि पूरे विश्व में अगर जब भी कभी पैसा आएगा तो ये जो शास्त्र है उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पूरे वर्ल्ड में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना, तो वो हमेशा सोचते रहते थे। तो खुद अपना जॉब करते भी थे, एक एक्स्ट्रा जॉब भी करते थे, उनको लगता था कि अगर मैं, हो सकता है शायद मैं बहुत पैसे कमा के इन सब शास्त्रों का अनुवाद करवा के और प्रिंटिंग करवा के पूरे विदेशों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकूंगा। लेकिन भगवान का कुछ और ही प्लान था, लेकिन उनको नहीं पता था भगवान का प्लान, भगवान ही जानते हैं। बड़े प्योर डिवोटी लोग को भी भगवान जितना उनकी इच्छा होती है उतना ही रिवील करते हैं, उससे ज्यादा रिवील नहीं करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद की लाइफ में भी देखेंगे कि थ्रू आउट वो लाइफ अपनी स्ट्रगल करते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी इतना कुछ करने के बाद ही नहीं, डबल बिजनेस करने के बावजूद भी ही मैनेज टू चैंट 64 राउंड्स। फाइनली जब वो पूरे विश्व में भक्ति का प्रचार भी कर रहे थे तब भी ही कंटिन्यूअसली चैंट व्हेनेवर ही हैज फ्री टाइम्स, और 16 राउंड बीट्स में वैसे चैंट करते ही थे मिनिमम। तो उस केस में हम लोग देख लेते हैं, और इवन इस्कॉन को भी जब उन्होंने एस्टेब्लिश किया था, इट्स अ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, यानी पूरे विश्व में डिवोटीज थे उनके, वो पूरे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करना सब कुछ के साथ भी वो चैंटिंग के लिए समय निकालते थे, और हम लोगों को खाली एक जॉब मैनेज करनी रहती लेकिन हम लोग समय नहीं निकाल पाते। तो इसीलिए हम लोगों को स्पिरिचुअल मास्टर से सीखना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर के केस में हम लोग देख सकते हैं, जो कि जिनके इतनी बड़ी फैमिली थी और वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, सबसे हाईएस्ट पोजीशन थी, सारे के सारे ब्रिटिशर्स भी उनके ऊपर ही रिलाई करते थे हर काम के लिए, वो सब काम करते हुए भी, बट उन्होंने क्या कह रखा था, अपनी प्रायोरिटी सेट थी, उनका एक टाइम टेबल बंधा हुआ था, अगर ऑफिस जाने का टाइम उनका फिक्स था, लोग उनको घड़ी देख के मिला लिया करते थे कि हाँ ये टाइम ऑफिस इतने बजे एग्जैक्ट पहुंचेंगे, तो उनके ऑफिस से निकलने का टाइम भी फिक्स था कि वो इतने बजे ऑफिस से निकल जाएंगे। ऑब्वियसली वो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, वो भी चाहते तो और स्लॉक करते रहते, जैसे हम लोगों की आदत होती है, हमें लगता है हम बहुत इंपॉर्टेंट है, हम 8 घंटा कर रहे हैं, हम 10 घंटा करके आज बॉस को खुशी कर देंगे, बट बिलीव मी मटेरियल वर्ल्ड में कोई कभी खुश नहीं होता है। ऑब्वियसली इस मटेरियल वर्ल्ड में आए ही वो लोग हैं विच आर नॉट हैप्पी विद कृष्णा, तो हम लोग ये अगर सोचें वो हमसे खुश हो जाएंगे फाइनली, हमारे काम से खुश हो जाएंगे, तो ये बहुत बड़ी हमारी मूर्खता है, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। हमेशा फाइनली जो हम लोग ये सुनते हैं ना अप्रेजल के समय में कि आपने बहुत तो अच्छा किया लेकिन ये चीजें अगर आप और करते तो मैं ऑब्वियसली खुश होता, तो वो सब कहने की बात है, ऑब्वियसली दे कैन नॉट, इवन वो भगवान से भी खुश नहीं हो पाए तो वो हमसे क्या खुश होंगे। तो इसलिए उनको प्लीज तो नहीं किया जा सकता, हम लोग को अपनी बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी कि किस तरीके से हम लोग चैंटिंग के लिए थोड़ा समय निकाले, बिकॉज दिस लाइफ इज वेरी शॉर्ट। अगर हम लोग ये देख सकते हैं कि हम लोग कैसे छोटे थे, कैसे बड़े हो गए, कैसे इस समय हम लोग मिडिल एज हो गए, तो डेथ इज ऑल्सो इनएविटेबल, वो भी आनी है, बट उससे पहले हम लोग को, अगर हम लोग ने कृष्णा को रियलाइज कर लिया, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर हम ये सोचें कि कभी भी सिचुएशन बहुत आसान हो जाएगी, वो बहुत मुश्किल है। हरे कृष्ण मीरा मत जी, ये आपके लिए नहीं है सिर्फ, ऑब्वियसली आपके लिए ही नहीं है, सभी के लिए ऑब्वियसली, सभी को यही प्रॉब्लम है जी। या आई अंडरस्टैंड, एक्चुअली पहले जितना कर पाते थे उतना, तो अभी ये लॉकडाउन में और काम बढ़ ही गया है बिकॉज ऑफ नो हेल्थ सो द हाउस, सो आई फील दैट या आई हैव टू मेक मोर अटेम्प्ट टू गेट अप अर्लियर। एंड लोग बोलते हैं लॉकडाउन की वजह से काम और बढ़ गया, एक्चुअली क्या होता है, दिस इज लॉ ऑफ कर्मा, कि हम लोग को अपने कर्मों के हिसाब से जितना रिएक्शन झेलना है ना, वो हम लोग को मिलेगा। तो उसका जो रिएक्शन पार्ट था, जो हम लोग ट्रेवल में अपनी हालत खराब करते थे, वो नहीं हो रहा है, तो उसको ऑब्वियसली वो वर्क के रूप में आएगा। तो लॉ ऑफ कर्मा को जीत पाना इज पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसके साथ भी एडजस्ट करते हो अगर आप भक्ति कर सकते हैं ना, दैट इज बेस्ट थिंग। इसीलिए आप देखेंगे पूरे वर्ल्ड में यही सबको प्रॉब्लम हो रही है, अरे यार काम बहुत बढ़ गया काम, तो एक्चुअली वो क्या है कि माया देवी का ऐसा सबको उन्होंने टाइट करके रखा हुआ कि कोई भी बच नहीं सकता, कि ये नहीं होगा कि लॉकडाउन हुआ तो एकदम सरकारी नौकरी के तरीके से, अब तो कुछ काम ही नहीं है। पहले जैसे प्रभु जी, I told you, right? I could go up to 8 to 10. Now it is reduced. That's why I was feeling very bad actually. कि, and I want कि चलो फुल फोकस के साथ करो, ताकि सारा काम निपट जाए उसके बाद करो. So उसी चक्कर में वो छूट जाता है. So now it has reduced to 4 to 5 each day, unfortunately. हाँ, तो वो
उसका रीजन ये इसलिए बताया है स्पिरिचुअल मास्टर्स ने कि मॉर्निंग में जब सबसे पहले उठते हैं ना, तुरंत नहा धो के सबसे पहले चैंटिंग ही करने की जरूरत है। अगर हम ये सोचेंगे हम पहले काम करेंगे फिर चैंटिंग करेंगे तो ऑब्वियसली हम लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि माइंड इतना ज्यादा कनिंग है ना कि वो कहाँ से कहाँ डेविएट करते। बिकॉज हम लोग भगवद गीता में हम लोग देखते हैं कि ये जो माइंड है, फॉल्स ईगो और इंटेलिजेंस, ये तीनों भी मटेरियल है, यानी ये भी तीनों माया देवी के एजेंट है, तो उनको हमें कंट्रोल करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि बहुत ही आसानी से वो ट्रिक्ड हो जाते हैं। कुछ भी हम लोग काम करने जाएंगे फिर उसी में हम लोग ओवर टाइम स्पेंड कर देंगे, फिर चैंटिंग के लिए समय नहीं मिलेगा। इसीलिए इवन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, जो कि ही वॉज ए स्पिरिचुअल मास्टर शील प्रभुपाद, एंड शील प्रभुपाद यूज टू से दैट ही इज ए वैकुंठा पर्सन। वाई वैकुंठा पर्सन? क्योंकि 4 साल की उम्र में ही उनके स्पिरिचुअल मास्टर ने भी बोला है जो कि मैंने इनको 4 वर्ष की उम्र से ही देखा था कि वो कभी भी खेलने वगैरह में टाइम वेस्ट नहीं करते थे। आज कोई भी बच्चा हम लोग ऐसा नहीं पाएंगे जो 4 साल की उम्र में उसको उतनी बुद्धि हो। जब पढ़ाई करनी शुरू करी तो इतने इंटेलिजेंट थे कि उनको तुरंत ही लगा कि ऑब्वियसली पूरी फैमिली की ये ना एक्सपेक्टेशन सेट हो जाए कि यार मैं तो फैमिली पर्सन बनूंगा, तो इसलिए उन्होंने बीच में से पढ़ाई भी छोड़ दी। तो ही वॉज कम्प्लीटली क्लियर व्हाट इज हिज पर्पस, वो क्यों इस भौतिक जगत में आए हैं। तो वो तक ऐसे बोलते थे कि मेरा माइंड ऐसा है कि सुबह उठ के मुझे इसको 1000 बार जूते से मारना पड़ता है और शाम को सोने से पहले 10,000 बार झाड़ू मारनी पड़ती है। तो उनका कहने का मतलब ये था कि हम सब लोगों का माइंड इतना कनिंग है कि वो उसको हम लोगों को टाइट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, वरना माइंड कैसे ना कैसे, वरना हम लोग देखेंगे ना कि वैसे हम लोग ऑफिस बोलते रहते हैं, सैटरडे संडे को जब समय रहता भी है तो माइंड हम लोगों को कुछ ना कुछ कहानी सुना के कहीं ना कहीं और लगा देता है। वरना हम लोग सैटरडे या संडे को भी बहुत अच्छे से चैंटिंग कर सकते हैं, लेकिन वो भी नहीं कर पाते। हम लोग सोचते हैं पूरे वीकेंड, अरे यार बिल्कुल समय नहीं मिल रहा है, जिस बार भी समय मिलेगा ना बस बैठ के उल्टा है, सैटरडे संडे ज्यादा काम हो जाता है। वही बोल रहे हैं, तो वैसे ही होता है। दिस माया इज टू स्ट्रांग करंटली, वी हैव टू फाइट अगेंस्ट इट। या तो ऑब्वियसली, तो इसलिए डेली करने का जरूरत है। जितना भी हम लोगों का फिक्स राउंड है ना, उतना अगर हम लोग डेली नहीं करेंगे तो माया उतना ही ज्यादा वीक करती जाती है। फिक्स राउंड तो कर लेते हैं प्रभु जी, बट उससे आगे जैसे बढ़ना हो तो वो वहां आके अटक जा रहा है। जैसे आई हैड कमिटेड फॉर 4, उतना हो जाता है, उसके आगे जाने के लिए इट इज लाइक अ बिग ब्लॉक कि अच्छा ये काम है वो काम है, यू हैव टू हैंडल सो मेनी थिंग्स। हाँ, तो जिस तरीके से हम लोग बॉस अगर बोल देते हैं ना कि ये प्रेजेंटेशन आज देनी देनी और हम लोग प्रायोरिटी बनाते हैं, तो वैसे ही हम लोगों को खुद भी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी उसके लिए। तो स्वाति माता जी ने बोला है, प्रभु जी कैन वी हियर महामंत्र ड्यूरिंग डे टाइम व्हेनेवर पॉसिबल? यस माता जी, आप दिन में जब भी चाहे वो महामंत्र सुन भी सकती हैं, दैट इज ऑल्सो प्योरिफाइंग। तो मैं अपने बेटे का एग्जाम्पल देता हूँ, उसको ये है कि चैंटिंग वगैरह अभी तो उसको उतना समझ में नहीं आती है, वो कोशिश करता भी, लेकिन वो बोलता है कि रात में अच्छा मेरे लिए डेली महामंत्र लगा दिया करो, और वो पूरे टाइम महामंत्र बजता रहता है, जब तक समय मरे वो उसी में सोता है। अगर मैं कभी कभी ऐसा होता है कि मैं भूल जाता हूँ रात में लगाना, तो वो खुद ही मुझे याद दिला, अरे पापा वो लगा दो, महामंत्र लगाओ जल्दी से। तो एटलीस्ट कैसे ना कैसे अगर हरे कृष्ण महामंत्र कोई सुन रहा, ऑब्वियसली वो प्योरीफाई होता जाएगा। तो किसी भी सिचुएशन में बच्चे हों, क्योंकि बच्चों को और ज्यादा वो, उनको अगर बोलो बैठ के चैंटिंग करो वो सब नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र लगा सकते हैं। आजकल तो इतना सारा तरीका है हम लोगों के पास, डिजिटल टीवी है, एयरटेल डिजिटल टीवी, उसमें हम लोगों के पास यूट्यूब है, इतने कीर्तन है हम लोग लगा सकते हैं बच्चों के लिए। तो भगवान की कृपा से अगर कोई भक्ति करना चाहे तो वो भी बहुत आसान है, नहीं करना चाहे तो डेविएशन भी बहुत सारे हैं, फिर बहुत सारी अलग चीजें भी हैं, नेटफ्लिक्स भी है और अमेजन प्राइम वीडियोस भी है, बट यूट्यूब में आप कीर्तन भी लगा सकते हैं और डेफिनेटली दिन में या किसी भी समय एलेक्सा में भी आप कीर्तन प्ले कर सकते हैं। आई थिंक एक ही कीर्तन है उसमें निरंजन स्वामी का, बट वो भी सुन सकते हैं, दैट इज ऑल्सो, निरंजन स्वामी इज ऑल्सो वन ऑफ द इनिशिएटिंग स्पिरिचुअल मास्टर। तो इसलिए टेक्नोलॉजी को कैसे भी यूज करके हम लोग दिन में भी चैंट कर सकते हैं, सुन सकते हैं। जब भी काम करना नहीं चैंट कर सकते हैं तो हम लोग कीर्तन बजा के कर सकते हैं। कितने लोग, अगर मीटिंग वगैरह नहीं है, मतलब मुझे पता नहीं कितने लोग ऐसे हैं जो कीर्तन के साथ में काम कर सकते हैं, या कितने लोगों को फुल कंसंट्रेशन चाहिए रहता है? अगर ऑफिस का काम करना है तो कौन बैकग्राउंड में कीर्तन बजा के कर सकता है? आई नीड फुल साइलेंस को मुझे। फुल साइलेंस, अच्छा। मैं एक्चुअली रूम शट कर देती हूं, आई डोंट इवन 9 hours, 9.5 hours full office job के time पे एकदम no deviation. Okay. But मेरे साथ पता नहीं, मैं बचपन से ही थोड़ा मेरा ऐसा था कि deviation से मुझे कुछ दिक्कत नहीं होती। अंशुमन प्रभु भी बोल रहे हैं कि I don't hear any song.
मेरे बेटे को भी ये प्रॉब्लम होती है अगर वो स्टडी के साथ फोकस नहीं कर पाता है, बट मेरा ऐसा है कि मैं हमेशा ही आई थिंक 10-12 साल तो हो गए मैं हरे कृष्ण महामंत्र बजा के मैं कुछ भी कर सकता हूँ, रीडिंग कर और ये वो, और इट्स डेफिनेटली हेल्पिंग मी। अगर ऑफिस का भी काम करना हो आई कैन डू इट, बट अभी ऐसा होता है मेरे साथ भी कि 8-8, 10-10 घंटे लगातार मीटिंग्स ही हो जाती है। मीटिंग्स ऑब्वियसली जब आप मीटिंग्स में हैं तो फिर आप साथ में कीर्तन नहीं सुन सकते, लेकिन अगर मैं ऑफिस का काम भी करता हूं तो कीर्तन बैकग्राउंड में आराम से प्ले कर सकता हूं। आई थिंक दैट इज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। या बट लाइकवाइज व्हेन आई एम चैंटिंग आई विल नॉट वांट एनीथिंग एल्स, और व्हेन आई एम वाचिंग लाइक व्हेन हियरिंग द महामंत्र एट नाइट व्हेन इट्स पीसफुल तब मैं सुनती हूं, वो फुल फोकस चाहिए, दैट इज वन। हां चैंटिंग के समय तो देखिए फुल फोकस करना ही चाहिए, चैंटिंग के समय अगर हम लोग चार और चीजों की तरफ ध्यान लगा रहे होंगे तो इसीलिए बोला जाता है कि थोड़ा उसी समय पे सब बच्चे को प्रॉब्लम होगा या बीच में आके कुछ इंटर बोलना पड़ता है, दैट इज ऑल अपराध हो जा रहा है, वही प्रॉब्लम हो रहा है। आई एम ट्राइंग नॉट टू बट इसीलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि थोड़ा सुबह जल्दी ताकि सब लोग सो रहे हो तो ऑब्वियसली उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। सो बाय कंसीडरिंग द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ चैंटिंग एंड देयर रिलेशनशिप टू द प्रोग्रेसिव डिग्री ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस वी विल स्टडी द पाथ थ्रू दीज स्टेजेस लीडिंग टू द परफेक्टेड प्लेटफॉर्म ऑफ प्योर लव ऑफ कृष्णा। थ्री स्टेजेस आर डिस्टिंग्विश्ड, शुद्ध नाम, नामाभास एंड नाम अपराध। एक्चुअली उल्टे क्रम में दिया हुआ है लेकिन सबसे पहले प्योरेस्ट चीज बताई जा रही है तो हम लोग उल्टे क्रम में पढ़ते हैं तो ताकि हम लोगों को समझ में आएगा हम लोगों की क्या सिचुएशन है। नाम अपराध, चैंटिंग विद ऑफेंस। ऑन दिस स्टेज प्योर लव इज इवन फर्दर अवे देन ऑन द क्लियरिंग स्टेज, एज लॉन्ग एज चैंटिंग इज परफॉर्म विद ऑफेंसेस इट इज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल टू अटेन लव ऑफ गॉड, नथिंग एल्स शुड बी एस्पायर्ड देन टू प्रोग्रेस टू द नेक्स्ट स्टेज एज क्विकली एज पॉसिबल, ऑफेंस हैज टू बी गिवन अप। इवन आज के सेशन में हम लोग समझेंगे भी कौन से 10 नाम अपराध हैं जिससे हम लोग को अपने को बचाने की जरूरत है। तो नाम अपराध स्टेज में यानी कि चैंट विद ऑफेंस और ऑफेंसेज में से एक ऑफेंस ये भी है कि हम लोग चैंट भी कर रहे हैं तो ध्यान ऑफिस के काम की तरफ भी है, ध्यान कहीं बच्चे की पढ़ाई की तरफ भी है, टीवी की तरफ भी है और बहुत सारी जगहों पर। तो मैं एक मिनट म्यूट कर देता हूँ थोड़ा सा बैकग्राउंड में वॉइस हो रहा, तो वो हम लोग को अवॉइड करने की जरूरत है। इसीलिए आचार्य वगैरह बोलते हैं कि अगर हम लोग सुबह जल्दी उठ सके, ऑब्वियसली अगर कोई किसी ने भी ब्रह्म मुहूर्त में अगर कोई उठ के देखा है तो इवन बाहर भी जाएगा तो उसको अलग सा महसूस होगा एनवायरमेंट। यानी ब्रह्म मुहूर्त मतलब कि सूर्योदय के 1.5 घंटा पहले, यानी कि अगर सूर्योदय करीब 6 बजे होता है तो यानी 4:30 के अराउंड अगर कोई चैंटिंग स्टार्ट कर सकता है दैट इज मोस्ट पीसफुल टाइम। उस समय पूरा एटमॉस्फियर एकदम पीसफुल होता है, अगर बाहर भी देखेंगे तो एकदम ही पीसफुल सिचुएशन होती है। इट्स अ बेस्ट ऑस्पिशियस टाइम टू चैंट द हरे कृष्ण महामंत्र और टू परफॉर्म इवन द डीटी वर्शिप, संसार दावानल जो प्रेयर हम लोग बोलते हैं उसे बोलने के लिए मोस्ट ऑस्पिशियस टाइम है। इवन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जिन्होंने ये संसार दावानल प्रेयर लिखी है उन्होंने सिंपल लिखा ही है कि अगर कोई समय अगर सिर्फ इस प्रेयर को ही बोल देगा तो देन ही विल अटेन लव ऑफ गॉडहेड, यानी कि वो भगवान के धाम वापस चला जाएगा। क्योंकि अगर कोई गुरु की तरफ अटैच्ड है या फिर कोई कृष्णा की तरफ अटैच है रिजल्ट इज सेम, ही विल रिटर्न टू कृष्णा। ओके, तो ब्रह्म मुहूर्त तो इसीलिए इवन अगर हम लोग देखें तो सुरभि कुंज में हम लोग ने 2 ऑनलाइन चैंटिंग का भी सेशन स्टार्ट कर रखा है। दो अलग अलग ग्रुप हैं, एक में पूरा आरती वगैरह भी होती है यानी मंगल आरती वगैरह भी होती है और देन चैंटिंग होती है 5:30 से स्टार्ट होता है और एक 4:30 से स्टार्ट होता है ताकि ऑब्वियसली अकेले उठ के चैंटिंग करने में लगता है यार मैं अकेला ही हूँ तो बेटर है मैं सो ही जाता हूँ। लेकिन उस ग्रुप में स्काइप ग्रुप में जो आप ज्वाइन कर लेंगे एवरीवन इज चैंटिंग और वो फोन दूर भी रख सकते हैं अपना और आराम से साथ में चैंट कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। देन नामाभास स्टेज क्या, दिस इज चैंटिंग ऑन द क्लियरिंग स्टेज विद द डेलिबरेट एंडेवर टू अवॉइड ऑफेंसेस एंड टू हियर द होली नेम विद फुल अटेंशन। तो अभी हम सब लोग नामापराध की स्टेज में हैं यानी कि हम लोग चाह के भी समय नहीं निकाल पाते हैं, ऐसी सिचुएशन में हम लोग खुद ही चैंट कर रहते हैं कि हर किसी को हमें देख के गुस्सा ही आ रहा होगा कि यार ये तो इस समय काम करने का समय और ये चैंट बैग लेके बैठे हैं इस तरीके से, मतलब तो ऑब्वियसली हम लोग उनके साथ भी बुरा कर रहे हैं, वो लोग क्योंकि हमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं और हम अपने साथ तो बुरा कर ही रहे हैं ऑब्वियसली, इतने डिस्टर्बेंस में जब अगले को नहीं लाइक हो रहा है हम चैंट कर रहे हैं तो हमारा भी चैंटिंग इफेक्ट हो जाएगी। तो
जब कोई उससे ऊपर उठता है कि चलो ठीक है, अगर कुछ लोग हैं जिनको नहीं पसंद है, जो obviously it's too late for them to understand the, बहुत लेट है या फिर वो उनको नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि obviously इस भौतिक जगत में सभी लोग जो भी हैं वो भगवान से वही लोग आए जो भगवान के से रूठ के ही लोग आए, ये कह लीजिए कि भगवान का एसोसिएशन ठुकरा के ही आए हैं, तो ऑब्वियसली वो सब भगवान के बारे में सुन भी नहीं सकते। अगर हम लोग ये सोचे हमारी फैमिली में सबके सब लोग डिवोटी होंगे, इट्स वेरी डिफिकल्ट। हम सब लोगों ने कुछ ना कुछ अपराध ही किया भगवान के चरणों में या भक्तों के चरणों में, इसलिए हम लोग इस भौतिक जगत में। तो सब लोग भगवान के नामों में रुचि लेने लगे, हर कोई चैंट करने लगे, ऐसा बहुत ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए मटेरियल वर्ल्ड है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड होता तो एवरीवन इज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट कृष्णा। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में इवन जो तोता भी होता, शुकदेव गोस्वामी वहीं से आए थे, ही वॉज पैरट इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड, और वो यहाँ पर उन्होंने श्रीमद भागवतम बोली। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अगर एक कोई चिड़िया भी होगी तो वो भी भगवान का भगवान की प्योर डिवोटी होगी, लेकिन इस भौतिक जगत में हर कोई एवरीवन इज एनवियस टू कृष्णा। तो इसलिए हम लोग को खुद ही देखना पड़ेगा ऐसी सिचुएशन में जहाँ हम लोग या तो भक्तों के संग में, भक्तों का संग नहीं है तो फिर अकेले में हम लोग कर सकें, और अगर कोई फैमिली में कोई भी डिवोटी नहीं है तो ऑब्वियसली हमें पहले उठना ही पड़ेगा। तो इवन एक डिवोटी कपल्स ने भी मुझे बताया था कि उनके घर में बिल्कुल ही फेवरेबल नहीं था, और उनकी फैमिली में कोई चाहता भी नहीं था कि कोई चैंट करे, तो उनकी जब मैरिज हुई तो उनकी वाइफ भी डिवोटी थी, उन्होंने इवन घर में बताया भी नहीं था, इनडायरेक्टली ऐसे पोर्ट्रे किया गया कि हाँ दोनों मटेरियल मैच है और उस तरीके से मैरिज हुई थी, लेकिन दोनों ही एक्चुअली टेम्पल से कनेक्टेड थे, दोनों ही डिवोटी थे। तो उनकी फैमिली बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि हाँ ये चैंटिंग करो, और मदर भी उनकी इतनी बोलेंगे कि इतनी एस्ट्यूट थी कि वो भी सुबह उठ जाती थी 4 बजे। तो उस चक्कर में क्या होता था कि जो बहू थी वो इवन 3 बजे और उससे भी पहले उठ के अपनी चैंटिंग फिनिश करती थी कि मदर इन लॉ जो है वो 4 बजे उठ जाएंगी, तो उससे पहले ही फिनिश हो जाए, नहीं तो फिर तो नहीं हो सकता। तो लोग इतना तक सेक्रीफाइस करते हैं अगर कोई, तो हम लोग ऑब्वियसली उस स्टेज पे नहीं है, हम लोग का ऑब्वियसली हम लोग का ये सिचुएशन नहीं है। हम लोगों के फैमिली मेंबर ऐसा भी हो सकता है कि हमारे फैमिली मेंबर 8-8 बजे तक सोते हैं, 9-9 बजे तक सोते हैं, तो हम लोगों को थोड़ा सा पहले उठना है उनके जगने से, एंड वी कैन ईजिली चैंट। ऑब्वियसली हम लोगों को उनको भी डिस्टर्ब नहीं करना, उनको लगेगा कि यार ये तो अभी मुझसे बात करनी चाहिए और ये चैंट कर रहे हैं, लेकिन अगर चैंट हम लोग नहीं करेंगे तो देन वी विल ऑल्सो बिकम ए नॉर्मल मटेरियलिस्टिक पर्सन। देन वी हैव द ओनली थिंग दैट डिफर्स अस फ्रॉम ए from the whole crowd is this chanting only. Otherwise, अगर हम लोग देखें तो soul level पे everyone is a devotee of Krishna. ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ जो जो हमें अभक्त लग रहा है वो भगवान का भक्त नहीं है. Everyone is a devotee of Krishna. Everyone has this love of Godhead. लेकिन अगर कोई deliberately chant नहीं कर रहा है, हम में और उसमें सिर्फ एक ही अंतर है कि हम deliberately chanting कर सकते हैं और chanting करके हम लोग purify हो सकते हैं, और सिर्फ chanting करके अगर कोई purify होगा then he can return back to Krishna. Even in this life itself he will display all the symptom of a demigods, even beyond that. जैसे मैंने आज message भी post किया था, तो जब तक स्वामी महाराज बोल रहे थे कि हम लोग बहुत अटैच रहते हैं अपने फैमिली मेंबर सब लोगों से कि वो बहुत अच्छे हैं, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मेरे वाइफ बहुत अच्छे हैं, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, बट एक्चुअली में जब तक कोई डिवोटी नहीं है नो वन हैज एनी गुड क्वालिटीज। तो हम लोग अगर ये सोच के बहुत ज्यादा उनसे अटैच नहीं है तो बहुत अच्छे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग सब जानते हैं कि जैसे हम अपने को जानते हैं वैसे हमें समझना चाहिए एवरी वन इज ऑन द सेम लेवल। एवरी वन हैज सम बैड एलिमेंट्स ऑल्सो इन टू देम, वाई? बिकॉज दे आर ऑल्सो नॉट प्योरिफाइड। अगर कोई सिर्फ भगवान का प्योर भक्त है देन ओनली हिज सेंसेस आर कंट्रोल्ड, अदरवाइज माया देवी सो स्ट्रांग कि कोई कितना भी ज्यादा बोल रहे, अगर कोई ये भी सोचे कि मेरा हस्बैंड दुनिया का सबसे ज्यादा वफादार हस्बैंड है या मेरी वाइफ बहुत ही ज्यादा चेस्ट, तो वो सब भी पॉसिबिलिटी नहीं रह जाएगी। इट्स ओनली ए मर्सी ऑफ माया देवी कह सकते हैं कि उन्होंने अपना पूरा पावर नहीं दिखाई है। अदरवाइज जो भक्ति नहीं कर रहा है वो कोई भी नहीं कह सकता कि हाँ ही इज सेफ फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ माया देवी। किसी भी लेवल पे कोई होगा ही कैन डेफिनेटली फॉल डाउन विद इन वन, यू कैन से एक चुटकी बजाने की जरूरत नहीं माया देवी को और वो गिर पड़ेगा अपने स्थान से। तो सिर्फ खाली कौन है जो अपने स्थान पर बना रहता है? कृष्णा। और कौन अगला कौन बना रह सकता है? जो कृष्ण भगवान का पवित्र नाम जप कर रहा है। तो इसलिए हम लोग को समझने की जरूरत है, वी हैव टू हेल्प एवरीवन। हम लोग ये सोच सकते हैं नहीं वो मुझसे ज्यादा अच्छा है और वो मुझसे बहुत ज्यादा अच्छा है इसलिए वो कह रहा है कि मैं चैंटिंग ना करूं तो मैं चैंटिंग नहीं करता हूं। तो हमें ये समझने की जरूरत है दैट ही और शी मे बी फुल्ली अंडर द कंट्रोल ऑफ माया देवी।
वो हमें प्रेम भी जो करते हैं वो भी एक मिनट के अंदर खत्म हो सकता है। श्रील प्रभुपाद ने बोला भी अपने वृंदावन भजन जो उन्होंने लिखा था कि एक्चुअली मैं संन्यास नहीं लेना चाहता था, कृष्णा हैज शोन मी द नेकेड फॉर्म ऑफ द मटेरियल ट्रुथ। तो श्रील प्रभुपाद यही चाहते थे हमेशा कि मैं कैसे ना कैसे फैमिली लाइफ में रह के बहुत अच्छे से अर्निंग करने लगूंगा, बहुत पैसा कमा लूंगा, फिर उससे मैं भगवान की किताबों का पूरे विदेशों में प्रचार करूंगा। तो उनकी इच्छा थी भगवान को सर्व करने की, लेकिन एक तरफ उनको रोके हुए था ये सिचुएशन कि अरे मेरी इतनी फैमिली मेरी मुझे इतना प्यार करती है, इतनी अटैच है, तो मैं कैसे उनको छोड़ के भक्ति का प्रचार फुल्ली कर सकता हूँ। लेकिन भगवान क्या होता है कि अगर ऐसा बोला गया कि अगर भगवान किसी के ऊपर बहुत ज्यादा दयालु हो जाते हैं तो उसे नेकेड फॉर्म ऑफ मटेरियल ट्रुथ दिख जाता है, यानी कि उसे सच्चाई दिख जाती है कि इस भौतिक जगत में एक्चुअल में कोई उसे प्रेम नहीं कर रहा है। तो प्रभुपाद के साथ भी ऐसा हुआ कि धीरे धीरे जो एकदम ही ओपुलेंट पोजिशन में थे, आप समझ सकते हैं कि उस जमाने में उनके पास कार भी थी, इतना बड़ा बिजनेस था, उस धीरे धीरे उनका बिजनेस नीचे जाना शुरू हो गया। तो उस जमाने में वो इतने पैसे वाले थे, उनके पास बहुत सर्वेंट्स, बहुत बड़ी फैक्ट्रीज, कारें, सब कुछ था, और उनका बिजनेस नीचे जाना शुरू हुआ। और जब उनके पास पैसा खत्म होना शुरू हुआ तो उनकी सारी फैमिली मेंबर, किसी को भी फिर उनको देख के मजा नहीं आता था। तो फिर उन्होंने वृंदावन भजन में लिखा भी हुआ क्या है कि जब पैसा खत्म होता है देन हम लोगों को रियलिटी दिखाई देती है कि हाँ रियल में कौन प्यार कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, देन समझ में आता है कि एक्चुअल में रियल में सिर्फ कृष्णा ही प्रेम करते हैं। तो प्रभुपाद ने ऐसा लिखा है, ऑब्वियसली जो प्योर डिवोटी होते हैं दे ऑलवेज अंडरस्टैंड दिस थिंग, लेकिन वो अगर कई बार ऐसा कुछ लिखते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर ने भी कई बार बोला है मैं माया की लैप में सो रहा था, बट इसका मतलब ये नहीं रहता कि वो सही में माया की लैप में सो रहे थे। वो प्योर डिवोटी एक्चुअली जब वो ऐसा लिखते हैं तो बताते हैं कि इतना ये सिचुएशन भौतिक जगत इस तरीके का है कि कोई बड़े से बड़ा डिवोटी भी हो, कोई प्योर डिवोटी भी हो, तो वो भी ये सिचुएशन देख सकता है कि किस तरीके से भौतिक जगत कार्य कर रहा है। तो कृष्णा इवन अपने जो प्योर डिवोटीज होते हैं उनको भी इस मटेरियल वर्ल्ड में रहना नहीं चाहता है, वो भी नहीं चाहते हैं कि वो भी इस भौतिक जगत में रहें, क्योंकि सच ए सिचुएशन इज देयर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो ये समझने की जरूरत है कि चैंटिंग हम अपने लिए कर रहे हैं तो हमें खुद ही टाइम निकालना है, ऑब्वियसली किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है कि हाँ वो चैंट नहीं कर रहा है तो हम उससे लड़ने लग गए, उसे समझ में आना भी बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि भगवान की जो माया देवी की जो शक्ति है ना, अगर आप किसी को ये भी समझा दो कि अरे यार हम लोग इसी साइकिल में जा रहे हैं, फिर से हम लोगों को वही चीजें रिपीट करनी है, बट माया देवी ऐसी है कि उसके बावजूद वो समझने नहीं देगी उसको, अगले को, अगर वो भक्ति नहीं करना चाहता, वो यही बोलेगा अरे तो क्या हुआ, कम से कम 20-30 साल के लिए तो मुझे पैसा कमाना है, मुझे इसके लिए ये करना, उसके लिए वो करना, तो उस तरीके से वो नहीं समझ सकता, अगला इंसान नहीं समझ सकता। माया देवी से हम लोग अगर जितना भी चाह लें प्रीचिंग के द्वारा, अगर कोई सोचे कि उन्हें निकाल लेंगे तो दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर ऐसा पॉसिबल होता तो श्रील प्रभुपाद ने अपनी फैमिली को सबसे पहले निकाल लिया होता। इट्स पर्सनल विल, यानी कि जो भगवान की भक्ति करना चाहेगा वो कर सकेगा, और जो नहीं करना चाहेगा उसको कोई कितना भी समझा ले ही विल नॉट बी एबल टू डू। तो इसलिए बेटर है कि फिर उनको समझाने ना समझाने की जगह हम लोग अपने पे फोकस करें, दैट इज बेटर। सो नामाभास के स्टेज है दिस चैंटिंग ऑन द क्लियरिंग स्टेज विद द डिलिबरेट एंडेवर टू अवॉइड ऑफेंसेस एंड टू हियर द होली नेम विद फुल अटेंशन। यानी हम लोग को खुद से ध्यान देना है कि हम लोग ऑफेंसेस नहीं कर रहे हैं और होली नेम्स ध्यान पूर्वक जप कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली अभी हम लोग का तो ऐसा सिचुएशन नहीं है कि हम लोग संयुक्त परिवार में रहते हो कि घर में और लोग भी हैं जो सबका ध्यान रख लें और हम लोग कहीं पार्क में जाके चैंट कर लें, ऐसा तो सिचुएशन नहीं है, लेकिन इतना तो हम लोग कर सकते हैं कि ठीक है बाकी लोग सो रहे हैं तो हम लोग कहीं पर भी अपना एक स्पेस हो, भले वो डीटी रूम हो या कोई भी थोड़ा सा जगह हो जहाँ पर कोई और डिस्टर्ब ना हो रहा, हम लोग ध्यान से वहाँ पर जब सब लोग सो रहे हों या फिर लोग नहीं हों तब चैंट कर सकते हैं। On this stage, pure love of God will not manifest immediately. It is only attained by Suddha Naam. Yani ki is stage mein bhi aane pe, Namabhas ke stage mein bhi, yani jab hum log ka clear ho raha hoga, offenses hum log nahi kar rahe honge, dhyan purvak bhagwan ka naam sun rahe honge, tab bhi aisa nahi hai ki hum log ko bhagwan ka love of Godhead achieve ho jayega. Nevertheless, Namabhas is considered very auspicious because it leads to pure chanting and destroys all sins. By serving the spiritual master with full attention while chanting Namabhas, one gradually rises to the platform of Shuddha Naam and thus attains the final goal, pure love. यानी कि अगर हम लोग Namabhas स्टेज में हैं, उसको भी बहुत auspicious बोला गया है, तब हमारा चांसेस है कि हम प्योर लव ऑफ गॉडहेड के स्टेज पर आ सकें। और वो कब कैसे पॉसिबल है? बाई सर्विंग द स्पिरिचुअल मास्टर। Obviously, many of us are not initiated or may going to get initiated. Serving the spiritual master का अर्थ क्या है? कि serving the spiritual master का मतलब कि
कि अगर हम लोग स्पिरिचुअल मास्टर्स का हमने बताया एक ही एम है कि अगर किस तरीके से और भी जो लोग बद्ध जीव हैं उनको भी इस भौतिक जगत से निकाल सकूं, तो अगर हम लोग किसी को भी प्रचार करते हैं, किसी को भी बुक देते हैं, श्रीमद् भागवतम अगर हम लोग पढ़ रहे हैं, किसी भी वृद्ध लोगों को भी और सुनाते हैं, या फिर बच्चे हैं उनको कुछ भी समझाते हैं, दैट इज ऑल कमिंग अंडर द सर्विस एंड प्रीचिंग इज द बेस्ट सर्विस. कोई प्रीचिंग नहीं कर सकता, वन इज वेरी शाई, किसी से बातचीत नहीं कर सकता, वो कुछ और कर सकता है, कुछ भी कर सकता है किसी ना किसी तरीके से. कोई कुछ भी नहीं कर सकता, लास्ट ऑप्शन इज कि अगर कोई कुछ भी नहीं कर सकता तो देन ही कैन डोनेट समथिंग फॉर द प्रीचिंग, मे बी टू इस्कॉन, और अगर वो बुक डिस्ट्रीब्यूट होती है कई बार ही कैन डोनेट देयर, और नहीं तो कुछ वो भी नहीं अगर पॉसिबल दूसरों के लिए डोनेट नहीं कर सकता, ही कैन डोनेट ऑन हिमसेल्फ, ही कैन परचेज द बुक्स, ही कैन रीड, ट्राई टू रीड द बुक्स, जो भी उसके लिए पॉसिबल है ही शुड ट्राई टू सर्व द स्पिरिचुअल मास्टर. And there can be any service that he can take up. He can, maybe there are so many transcription services, जहाँ पर lectures होते हैं. He can, if he has time, he can just listen to the lecture and start transcribing it. यानी कि उसको लिख सकता है. तो even पहली service जो मुझे भी मिली थी वो यही थी कि मैं session में जाता था. पहली service मुझे ये मिली थी कि मुझे type करना है. जो उसके bullet points होते थे वो मैं बनाता था और बाद में circulate कर देता था सब लोगों को. तो ऐसे ही कुछ भी, जिसको जितना भी समझ में, अगर किसी को लगता है कि नहीं मैं हफ्ते में सिर्फ आधा घंटा दे सकता हूँ सर्विस के लिए, तो वो ट्रांसक्रिप्शन सर्विस ले सकता है. छोटे छोटे 5 मिनट के भी, इवन श्रील प्रभुपाद के भी वाणीपीडिया में कितने सारे क्लिप्स हैं जैसे वो चेंज कर सकता है, या फिर किसी ना किसी तरीके से गुरु परंपरा में जुड़ के छोटी से छोटी सर्विस प्रोवाइड कर सकता है. कुछ भी, अगर उसको कुछ भगवान के लिए गार्लैंड बनाने का शौक हो वो बना सकता है, भगवान के लिए उसको मंदिर साफ करने का शौक है वो कर सकता है. कुछ भी, अगर कोई छोटी से छोटी सर्विस भी कोई करता है तो देन ही विल ग्रेजुअली राइज अप फ्रॉम द नामा भास स्टेज टू शुद्ध नाम. उसके बगैर पॉसिबल नहीं है. क्यों पॉसिबल नहीं है? हम लोग सोच सकते हैं कि सिर्फ चैंटिंग के द्वारा हम लोग प्योर लव ऑफ गॉडहेड क्यों नहीं पा सकते हैं, साथ में भगवान को सर्व करने की क्या जरूरत है? तो उसका रीजन क्या है कि भगवान की जब हम लोग चैंटिंग करते हैं तो हम लोग बोलते हैं जब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो उसका अर्थ यही है कि हे कृष्णा और हे एनर्जी ऑफ कृष्णा, प्लीज एंगेज मी इन द सर्विस ऑफ कृष्णा. यानी किसी ना किसी तरीके से मुझे भगवान की कोई ना कोई सर्विस करने के लिए एंगेज कीजिए. और अगर हम लोग ये प्रे तो कर रहे हैं लेकिन सर्विस अगर कोई भगवान की नहीं कर रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली फिर हम लोग को और ज्यादा ब्लिस नहीं मिलेगा. तो कुछ भी सर्विस, छोटी से छोटी, इट कैन बी ए वेरी स्मॉल सर्विस एज वेल एंड इट कैन बी एनी बिग सर्विस एज वेल. ऑब्वियसली अगर हम लोग प्योरली चैंट करते हैं सर्विसेज विल ऑटोमेटिकली कम टू अस. तो कुछ भी करते हैं, अगर मैं कह रहा हूँ अपने फ्रेंड को भी हम लोग बताते हैं कि हाँ भक्ति करनी चाहिए, या किसी को अगर हम लोग कुछ गिफ्ट करने जा रहे हैं, पहले सोच रहे थे कि कुछ मटेरियल चीज से गिफ्ट करते हैं, फिर हमने सोचा चलो ठीक है भगवत गीता और कृष्णा बुक गिफ्ट कर देते हैं, दैट इज ऑल्सो ए सर्विस टुवर्ड कृष्णा एंड स्पिरिचुअल मास्टर. बिकॉज कृष्णा का भी एक ही एम है इस मटेरियल वर्ल्ड में, ही हैज नथिंग टू, ऑब्वियसली पूरे जगत में, पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में कृष्णा को कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन उसे एक ही चीज चाहिए रहती है कि जो उसके बच्चे हैं जो उसे भूल गए वो उसके पास वापस आ जाएं. तो अगर उस मिशन में, और इस्कॉन का मिशन ही यही है कि किस तरीके से जो लोग भूले हुए हैं भगवान की भक्ति को उसे वापस रिवाइव किया जा सके, और सारी की सारी चीजें उसी पे बेस हैं, यानी भले वो भगवान का मंदिर बनाना हो उसका भी एम यही है कि लोग भगवान के मंदिर में जाएंगे, भगवान को देखेंगे तो कहीं ना कहीं उनको फिर से रिवाइवल होगा, भगवान के नाम के बारे में सुनेंगे, दे विल, इट विल रिवाइव देयर कॉन्शियसनेस, भगवान के बुक्स किताबें पढ़ेंगे जो भगवान के द्वारा बोली गई हैं जिसमें भगवान का विवरण है, तो भगवान का वापस उनको ध्यान आएगा. उसके अलावा अगर हम लोग ये सोचे कि हम तो 56 भोग बना के भगवान को ऑफर कर रहे हैं और इससे बढ़िया तो कोई बना ही नहीं सकता, तो हम लोग को समझने की जरूरत है कि भगवान को लाखों लाख लक्ष्मी देवी हमेशा सर्व करती रहती है और हम लोग कुछ भी नहीं है, हम सब लोग खुद ही लक्ष्मी गणेश जी की पूजा कर रहे होते हैं दिवाली में कि हमें लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त हो, और वो लक्ष्मी जी उन्हें सदैव निरंतर करोड़ों लक्ष्मी देवियां सर्व करती रहती हैं. लक्ष्मी देवी इज ऑल्सो एक्सपेंशन ऑफ राधा रानी, राधा रानी इज वन, लक्ष्मी देवियां बहुत अनंत हैं. तो भगवान को हमसे कुछ नहीं चाहिए ऑब्वियसली, और ना ही स्पिरिचुअल मास्टर्स को हमसे कुछ चाहिए. दे ऑल आर कमिंग फ्रॉम द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, दे नीड जस्ट ओनली वन थिंग, दैट इज हाउ वी कैन हेल्प इन एंगेजिंग अदर ऑल्सो इन द डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड. देन शुद्ध नाम स्टेज क्या, दिस इज द प्योर स्टेज ऑफ चैंटिंग वेयर कृष्णा फुल्ली रिवील्स हिमसेल्फ together with the entirety of his innumerable potencies. A devotee who chants Shuddha Naam observes Krishna appearing personally on his tongue. As an effect of this chanting, he is bestowed pure love of God.
सो शुद्ध नाम वो स्टेज है जो हम सब लोग हैंकर करते हैं, एस्पायर करते हैं अचीव करने की, जहां पर कृष्णा अपने को आपको पूरी तरीके से रिवील कर देते हैं। यानी अगर जो शुद्ध नाम बोल रहा होता है, कृष्णा पूरी तरीके से कह सकते हैं कि उसके कंट्रोल में होते हैं, कृष्णा पूरी तरीके से उसे रिवील कर चुके रहते हैं, एंड अलॉन्ग विद हिज ऑल इन्यूमरेबल पोटेंसीज। तो इसीलिए अगर हम लोग देखें श्रील प्रभुपाद के अंदर इतना ज्यादा फेथ कैसे था, बिकॉज ही वॉज चैंटिंग शुद्ध नाम, तो उन्हें पता था। एक एग्जाम्पल भी है कि जब श्रील प्रभुपाद कृष्णा बुक जब उन्होंने लिखी थी, तो कृष्णा बुक लिखने के बाद उन्होंने कृष्णा का 10th कैंटो पूरा का पूरा उसमें वर्णन किया हुआ था, और वो उसे प्रिंट करवाना चाहते थे। तो उन्होंने उसके लिए अपने एक डिसाइपल को बोला कि ठीक है तुम जाओ, और जॉर्ज हैरिसन, अगर हम लोगों को पता हो बीटल्स ग्रुप के ओनर थे जॉर्ज हैरिसन, तो जॉर्ज हैरिसन के पास जाओ, ही विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो उन्होंने बोला अरे नहीं नहीं, मैं जॉर्ज हैरिसन के पास नहीं जा सकता हूँ, बिकॉज वो कैसे हेल्प करेगा, बिकॉज प्रिंटिंग के लिए तो इतना कॉस्ट लगना है। तो उन्होंने बोला ठीक है, वो हेल्प नहीं करेगा तो डेफिनेटली कृष्णा विल हेल्प, ठीक है ना। तो श्रील प्रभुपाद अंडरस्टैंड कि कृष्णा ने अगर बोला है कि दिस सर्विस यू वांट टू टेक फ्रॉम जॉर्ज हैरिसन, देन कृष्णा विल मैनेज इट। तो भगवान का भी ये होता है कि ऑब्वियसली सारे लोग जो भी इस भौतिक जगत में आए हैं वो भूल जाते हैं भगवान के विषय में, उनको लगता है कि मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, मैं ही बेस्ट इंसान हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ मेरे लिए। बट भगवान का क्या होता है कि वो सबको अपनी सर्विस में लगाना चाहते हैं। तो जब ये डिसाइपल जॉर्ज हैरिसन के पास गए और उन्होंने बोला कि एक्चुअली श्रील प्रभुपाद चाहते हैं कि ये जो कृष्णा बुक है इसको आप पब्लिश करें, मतलब आप इसके प्रिंटिंग का कॉस्ट आप दें ताकि ये प्रिंट होकर पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट हो, तो पहले तो जॉर्ज हैरिसन को लगा कि मैं मना ही कर देता हूँ, और उसने पूरा डिसाइड कर लिया था कि वो ना बोलेगा। लेकिन वो जैसे ही ना बोलने वाला था, उस समय रात थी, और उसी समय एकदम से क्या हुआ कि लाइटनिंग स्ट्राइक हुई और उन्हीं के घर के ऊपर सीधे, और बिजली गिरी और एकदम से पूरा का पूरा रोशनी में समा गया और एकदम कस के धमाका हुआ। और फिर जब वो हटा और फिर लाइट आई, हालांकि किसी को कोई हानि नहीं हुई, तो जॉर्ज हैरिसन ने बोला कि अब इसके बाद मैं क्या मना कैसे कर सकता हूँ, भगवान का डायरेक्ट इंडिकेशन है कि आई शुड डू इट। और फिर इवन तो ऐसा नहीं कि भगवान हेल्प नहीं करते, अगर हम लोग देखें तो जॉर्ज हैरिसन को फाइनली एक पर्सन ने अटैक किया था, ही वॉन्ट्स टू किल जॉर्ज हैरिसन, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जॉर्ज हैरिसन रिमेंबर्ड कृष्णा, सो ही टोल्ड, ही सेड हरे कृष्णा, देन ही स्टार्टेड चैंटिंग एंड समहाउ he was saved. So obviously everything belongs to Krishna only, and Krishna sometimes just maybe forcefully takes service from someone, and sometimes he give other person opportunity ki theek hai you can serve me. Even Prabhupada Prabhupada ke case mein bhi aisa tha ki sometimes just to be merciful on some people he gives some service to other person, theek hai you do this service. To ek bar Prabhupada kyunki west wagera mein kya hota tha ki अगर हम लोग देखें तो वाटर वगैरह पानी वगैरह जनरली लोगों को बिल्कुल यूज़ नहीं करते हैं, अगर बाथरूम वगैरह है तो उसमें वाटर वगैरह बिल्कुल वो लोग चाहेंगे नहीं कि कोई भी पानी बिखरा दें। बट प्रभुपाद ही वॉज ऑलवेज टेकिंग बाथ, कि हमेशा दिन में 3 बार वो बाथ लेते थे, नहाते थे, तो उन्होंने ही यूज द वॉशरूम एंड ही टुक बाथ। और उसके बाद उनके डिसाइप तो जो क्लीनर था वो तुरंत आ गया, अरे ये क्या किया आपने, पानी बिखरा दिया, और पानी नहीं बिखराना होता यहाँ पे। तो उनके डिसाइपल सब घबरा गए, उन्होंने बोला चलिए हम लोग जल्दी से साफ कर देते, तो उन्होंने मना किया अपने डिसाइपल्स, तुम्हें साफ करने की जरूरत नहीं है, लेट हिम ओनली डू इट, लेट हिम डू सम सर्विस फॉर कृष्णा एंड हिज डिवोटी। तो दिस वे लाइक दे गिव सम सर्विस टू पीपल। तो ऑब्वियसली हम लोगों को लगेगा, हम लोगों को समझ में आना बहुत ही मुश्किल है कि कैसे पॉसिबल है, और How can like someone expect some service? But actually बात यह है कि because of not serving Krishna only we have come to this material world. And the services are only the way by which we can again connect back to Krishna. तो क्योंकि हम लोग भगवान को serve नहीं करना चाहते, यानी जैसे हम लोग बोलते हैं कि हमारे father हैं Krishna, लेकिन we don't want to live with him, we don't want to serve him. तो obviously हम लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाके भी क्या करेंगे, स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज नॉट लाइक दैट, यहाँ पर लोगों को जंगल में हिमालय में जाके तपस्या करने की जरूरत है, लेकिन भगवान के सामने जाके कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली तपस्या का एंड रिजल्ट क्या होता है, एंड रिजल्ट अगर कोई बहुत कठोर तपस्या कर रहा है तो उसका रीजन क्या होता है कि वो फाइनली कुछ हायर चीज अचीव करने की कोशिश कर रहा होता है। तो भगवान के पास और हाईएस्ट चीज क्या है कि अगर हम भगवान के संपर्क में ही आ जाए, तो जब भगवान के संपर्क में आ जाते तो उसे कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं, देन समथिंग ही हैज टू डू, ऑब्वियसली समथिंग ही हैज टू डू, अगर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो कुछ ना कुछ तो करना रहेगा ना। तो समहाउ
he will, so Krishna is so powerful, he can engage everyone in his service. He is so powerful. जब वो इस material world में भी थे तो उनकी 16,108 उन्होंने शायद marriages करी थी अगर हम लोग देखें. And he has expanded himself into 16,108 form just to give opportunity for all the queens to always remain in his association and to serve him. तो भगवान is unlimited, Krishna is unlimited. तो we can unlimitedly serve him. Even we can have deities of Krishna, we can serve Krishna in the deity form. अगर हमें लगता है कि नहीं हम बाहर जाके कैसे serve करेंगे, तो you can have deities of Radha and Krishna and you can serve them somehow. Maybe अपने deities के लिए आप deity dresses सिल सकते हो, या उनको daily उनका श्रृंगार कर सकते हो, या उनको bathing कर सकते हो. और अगर कुछ भी नहीं किया जा सकता तो then at least even chanting is a service. तो then you can chant. You can chant कि भगवान कुछ भी नहीं हम कर सकते हैं, at least we can chant for you. And that will also be accepted. Krishna Bhagwan, जैसे कि हम लोगों ने बताया कि ऐसे हैं कि अगर कोई मन से भी उनकी सेवा करता है, तो एक ब्राह्मण का मैंने एग्जांपल बताया था कि उसने बोला कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तो मन से ही सोचने लग गया कि मैंने भगवान के लिए अच्छी अच्छी डिशेस बनाई, भगवान को ऑफर करी. एंड कृष्णा इज एक्सेप्टेड इवन दैट. हम लोग बात करते हैं कार्तिक मास की, कार्तिक मास में किस तरीके से भगवान को दिया दिखाने से कितना ऑस्पिशियस रिजल्ट होता है. इवन एक चूहे का उसमें ब्रह्म वैवर्त पुराण में विवरण है कि किस तरीके से उसके चूहा भगवान के सामने एक दिया जल रहा था, और उस चूहे की आदत थी कि वो हमेशा घी खाता था, तो उसको तो उस समय बुझ नहीं पाया था पूरी तरीके से, दिया बुझ रहा था एकदम, और वो चूहा अपने को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने तुरंत ही उस दिए की बत्ती को खाना शुरू कर दिया, कॉटन की जो विक होती है. लेकिन क्या हुआ कि वो बत्ती उसमें से निकल गई और उसके मुंह में फंस गई, और जितना बचा हुआ जो घी था वो जलने लग गया, और जो चूहा था वो जंप करने लग गया भगवान के डीटीज के सामने. लेकिन कृष्णा ने उसको भी एक्सेप्ट कर लिया कि उसकी वजह से जो लौ थी ये थोड़ी देर और जलने लग गई, या ये मेरी जो दिया है मुझे और दिखाने में हेल्प कर रहा है. और वो चूहा तो फाइनली जल के मर गया, लेकिन ही अटेंड हिज ओरिजिनल फॉर्म, दैट इज वैकुंठा फॉर्म, एंड ही रिटर्न टू कृष्णा. सो जो भी लिविंग एंटिटीज, हम लोग एक मक्खी मार रहे होते हैं, हम लोग सोचते हैं कि अरे ये तो मक्खी है, ये तो कॉकरोच है, उस पे स्प्रे डाल रहे होते हैं. एवरी वन इज एक्चुअली सर्वेंट ऑफ कृष्णा, एंड एवरी वन कैन रिटर्न बैक होम, बैक टू गॉड. एवरी वन कैन अटेन द 400 फॉर्म एंड कैन रिटर्न टू कृष्णा. तो सो इन द प्योर स्टेज ऑफ चैंटिंग, व्हेन कृष्णा फुल्ली रिवील्ड हिमसेल्फ टुगेदर विद एंटायरिटी ऑफ हिज इन्यूमरेबल पोटेंसी, ए डिवोटी हु चैंट शुद्ध नाम ऑब्जर्व कृष्णा अपीयरिंग पर्सनली ऑन हिज टंग. एज एन इफेक्ट ऑफ दिस चैंटिंग ही इज बिस्टोर्ड प्योर लव ऑफ गॉड. So he can see himself that Krishna is personally present on his tongue when he is chanting. And then with the effect of this is that he will get pure love of God. And when someone will attain pure love of God, obviously kisi bhi cheez ko, agar Bhagwan ko prem karna to Bhagwan ke level pe hi kiya ja sakta. Agar hum log dekhe to reciprocation jo hota hai wo same level pe hota hai. Agar koi ye bole ki ek cheeti aur haathi ke beech reciprocation hoga, wo possible nahi hai. चीटी चीटी रेसिप्रोकेट कर सकती है आपस में, हाथी हाथी. तो सिमिलरली भगवान के साथ रेसिप्रोकेट वही कर सकता है जो भगवान के लेवल पे हो. और यानी चैंटिंग करने से जब प्योर लव अटेन होता है तो इवन ए लिविंग एंटिटी कम टू द लेवल ऑफ कृष्णा. लेवल ऑफ कृष्णा मीन्स इन टर्म्स ऑफ इट्स क्वालिटी. इसलिए हम लोग बोलते हैं कि श्रील प्रभुपाद वाई ही सो मच अपीलिंग टू ऑल ऑफ अस, वाई ही हैज सैक्रिफाइस एवरीथिंग फॉर अस. वाई? बिकॉज वन व्हेन वन अटेन लव ऑफ गॉड हेड, लव ऑफ कृष्णा, then he can feel like Krishna as well. तो इसीलिए उन्होंने पूरे विश्व में भक्ति के प्रचार के लिए इतनी ज्यादा मेहनत करी है. हम लोग देख सकते हैं सोलिनस जयपताक स्वामी महाराज को, किस समय ऐसी सिचुएशन है उनकी, उसके बावजूद भी ही इज प्रीचिंग. सो जब कोई लव ऑफ गॉड हेड अटेन करता है, देन ही रियली रियलाइज दैट हाउ मच सफरिंग अदर लिविंग एंटिटीज आर सफरिंग, एंड जस्ट टू हेल्प देम हाउ मच मर्सी ही एक्सटेंड. सो नेक्स्ट इज द, so this from the stages of chanting nectarian ocean of the holy name. Then by committing offense against the holy name, we lose our taste for spiritual activities. We just do not feel any pleasure in hearing, chanting and performing devotional services. Agar hum log bhagwan ke naam ke prati koi aparadh kar dete hain, tabhi aisa hota hai ki hum log ka jo pleasure hota hai, jo hear karne mein, chant karne mein, devotional service karne mein, wo khatam ho jata hai. और हम लोग खुद, हम सभी लोगों ने यह कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर हम लोग सावधानी पूर्वक जप नहीं करते हैं, या कोई ना कोई नाम अपराध कर देते हैं, 10 नाम अपराध हैं उसको हम लोग अभी समझेंगे, तो देन हम लोग ना चैंट कर पाते हैं, ना सुन पाते हैं, ना कोई डिवोशनल सर्विस परफॉर्म करते हैं. वी आर लाइक ए पर्सन अफेक्टेड विद हाई फीवर हु फाइंड इट इम्पॉसिबल टू ईट डिलीशियस फूड. तो उस समय हमारी स्थिति कैसी होती है कि अगर बहुत ही स्वादिष्ट खाना भी रखा हो, लेकिन अगर किसी को बहुत हाई फीवर होगा तो उसे नहीं खा पाएगा.
such a person, however, can be cured in due course of time by proper medicine and a suitable diet. Then the body will be able to eat the usual food again. Similarly, through continuous long-lasting spiritual practice, the devotee can nullify the consequence of nama aparadha and regain his taste for the holy names. Through repeated hearing and chanting and through other process, pure love of Godhead is revealed step by step. लेकिन अगर हम लोग सावधानी पूर्वक ध्यान कर देते रहेंगे, जैसे अगर कोई रोगी है वो ध्यान अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देता रहे, प्रॉपर डाइट ले, प्रॉपर मेडिसिन ले, प्रॉपर रेस्ट ले, तो वो ठीक हो जाएगा. देन सेम फूड उसे पैलेटेबल लगने लगेगा. जब बुखार होता है तो सारा खाना कड़वा लगने लगता है, फिर जब स्वास्थ्य ठीक हो जाता है तो वही बहुत ही स्वादिष्ट लगने लगता है. तो सिमिलरली अगर वो कंटिन्यूअसली स्पिरिचुअल प्रैक्टिस अपनी करता रहेगा, which is just like curing his disease, then usko spiritual jo holy names hai usme use proper ras mehsoos hone lagega. Then he feel it more and more tasty, more and more relishable, more and more pleasurable, and finally when ye stage ho jati hai ki aapko pata rehta hai, agar koi movie mein ja raha hai, koi kahin ja raha hai, koi gossip karne ja raha hai, aapko lagta hai yaar I can sit down in one place and I can chant and I will be the most relaxed person. I think Bhushan Prabhu ne वैसे भी express किया था. Bhushan Prabhu, you want to tell something on that? Hare Krishna. Bhushan Prabhu is there or he has left? Okay. So Bhushan Prabhu ne लिखा भी था group में कि how he is feeling कि चैंटिंग का क्या बेनिफिट है अब उनको समझ में आ रहा है. तो सिमिलरली कोई भी चैंट करता है तो ही कैन रियलाइज कि ऑब्वियसली जो एक्सटर्नली हम लोग इधर उधर भाग रहे हैं, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे ये नहीं मिलेगा तो मैं खुश नहीं रहूँगा, वो नहीं मिलेगा तो खुश नहीं रहूँगा, मैं वर्ल्ड टूर पर नहीं गया तो मैं खुश नहीं रह पा रहा हूँ, मेरे पास BMW नहीं है, ऑडी नहीं है. अगर हम लोग देखें तो बड़े से बड़े मिलियनेयर के साथ भी यही प्रॉब्लम है. अरे यार मेरे पास तो बहुत कुछ है लेकिन उसके पास मुझसे ज़्यादा है, वो नंबर वन पोजीशन पे है, मैं नंबर सेकंड पोजीशन में. नंबर वन वाला सोच रहा है यार मेरे पास सब कुछ है लेकिन मेरी फैमिली प्रॉपर नहीं है. तो सभी के पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही रहती है. लेकिन अगर कोई प्योरली चैंट करेगा देन ही कैन रियलाइज कि ही इज हैविंग एवरीथिंग, ही इज हैविंग द मोस्ट द हैप्पीनेस दैट ही इज हैंकरिंग फॉर, ही इज डिजायरिंग फॉर, ही हैज विद इन हिज रीच. और रियल में हम लोग सब लोग स्पिरिचुअल बीइंग है तो we all are looking for spiritual happiness. कोई भी material चीज अगर हम हमारे शरीर में अरमानी का भी सूट पहन लें या मखमल का भी कपड़ा पहन लें या रेशमी चीज़ें भी पहन लें, it is nothing, it is not going to affect our soul because we as a living entity is soul. जो body है calcium, phosphorus, mineral, iron की, उसके ऊपर कुछ soft soft भी चढ़ा दें या कुछ hard भी चढ़ा दें, बहुत कुछ अंतर नहीं पड़ने वाला है. इसलिए जब नींद आती है तो जमीन में गद्दा बिछा के भी वही sleep में वही pleasure आएगा. अगर इंसान थका हो तो ऑब्वियसली हो सकता है और ज्यादा ही प्लेजर है. और बहुत बड़ा हजारों रुपए का लाखों रुपए का गद्दा भी बिछा के सो जाओ तो स्लीप की क्वालिटी में कोई ज्यादा अंतर नहीं होने वाला है. क्यों? क्योंकि दीज आर ऑल थिंग्स आर मटेरियल. तो वी एज ए स्पिरिट बींग कैन ओनली रियलाइज हाईएस्ट प्लेजर बाई चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा मंत्र. वो अभी हम लोग रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज वी आर स्टिल ऑन द क्लियरिंग स्टेज. हम लोग का अभी भी नाम अपराध पूरा तरीके से क्लियर नहीं हुआ है, कुछ ना कुछ हम लोग त्रुटि कर रहे हैं, इस वजह से वो नहीं आ रहा. सो द रूट ऑफ ऑल ऑफेंसेस की बात हुई है कि सारे ऑफेंसेस का रूट क्या है. सो सारे ऑफेंसेस का रूट एक ही है, टू बी इनअटेंटिव व्हाइल चैंटिंग द होली नेम, व्हिच इज कॉल्ड प्रमाद. सो भक्ति विनोद ठाकुर स्टेट दैट इनअटेंशन और डिस्ट्रैक्शन व्हाइल चैंटिंग इज द रूट ऑफ ऑल ऑफेंसेस. बाकी जो भी 10 नाम अपराध है वो सारे इसी वजह से हो जाते हैं हमसे, क्योंकि हम लोग ध्यान पूर्वक जप नहीं कर रहे हैं. So distraction in chanting produce a type of illusion causing serious offenses against the holy name that are very difficult to overcome. जब हम लोग चैंट कर रहे होते हैं तो बहुत तरीके के इल्यूजन हमारे पास आने लगते हैं अगर हम लोग ध्यानपूर्वक नहीं कर रहे हैं. अरे हमारी जॉब चली गई तो क्या होगा, हमें बॉस हो सकता है निकाल भी दें, तो हम लोग बॉडली कॉन्शियसनेस में आते चले जाते हैं. अरे यार मैं ये काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चैंटिंग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो हम लोग समझ नहीं पा रहे थे. हमारा इस प्रॉब्लम में फंसने का ही रीजन यही है बिकॉज वी हैव कम टू दिस मटेरियल वर्ल्ड, वी आर नॉट लविंग कृष्णा. So between loving Krishna, if we are putting something else, then we have to correct ourselves. कि that is the thing for which we have to aspire for. क्योंकि अगर हम लोग कृष्णा के पास चले गए तो ये सारी प्रॉब्लम, सारी की सारी प्रॉब्लम्स का निवारण हो जाएगा. अगर नहीं गए तो इस जन्म के बाद अगले जन्म में कोई दूसरा बॉस होगा, कोई दूसरी तरीके की समस्याएं होंगी, वो समस्याएं चलती रहेंगी. सो द इल्यूजन, दिस इल्यूजन लीड टू क्रेविंग फॉर वेल्थ, वुमेन, पोजिशन, सक्सेस और इवन चीटिंग. वुमेन की बात कर रहे हैं, यानी वुमेन के लिए मेन, मेन के लिए वुमेन. वुमेन मतलब होता है अपोजिट सेक्स. सो तो अगर हम लोग
ध्यान पूर्वक जप नहीं करेंगे तो धीरे धीरे चैंटिंग के साथ साथ हमें लगना, नहीं यार हमें पैसा कमाना है, कैरियर में बहुत कुछ करना है, और पैसा कमाएंगे फिर इसको दिखाएंगे, अपोजिट सेक्स की तरफ और अट्रैक्शन हो जाएगा, पोजीशन चाहिए हमें, सक्सेस चाहिए, और फिर सक्सेस और इन सबको अचीव करने के लिए इवन हम चीट भी करने के लिए रेडी हो जाएंगे. सो व्हेन दीज अट्रैक्शन कवर द हर्ट द नियोफाइट ग्रेजुअली लूजेस इंटरेस्ट इन चैंटिंग द होली नेम. और फिर जब ये सारी चीजें कवर कर लेती हैं कि पैसा चाहिए, पोजीशन चाहिए, तो धीरे धीरे इंसान का चैंटिंग की तरफ से पूरा ध्यान खत्म हो जाता है. और बड़े से बड़ा अगर कोई एक साधु महात्मा भी हो जिसने पूरा रियलाइजेशन भी प्राप्त कर लिया हो, अगर वो भी ये ऑफेंस करेगा, यानी अगर कोई रियलाइज पर्सन हो विद द स्ट्रेंथ ऑफ चैंटिंग, वो भी अगर चैंटिंग छोड़ देगा, चैंटिंग के साथ साथ डेविएट होता रहेगा, तो ही विल ऑल्सो फॉल इन टू दिस पोजिशन. हम लोगों ने देखा कि विश्वामित्र जैसे लोग भी भगवान की भक्ति में, ऑब्वियसली वो भगवान के भक्त नहीं थे, लेकिन हम लोग भरत महाराज का एग्जाम्पल देख सकते हैं जो भगवान की भक्ति करना चाहते थे, लेकिन किस तरीके से इन अटेंशन होने की वजह से भक्ति की तरफ से, किस तरीके से एक हिरण के बच्चे की वजह से वो डेविएट हो गए, अपना पूरा राजपाट, अपने बच्चे, अपनी पत्नी, सब कुछ वो छोड़ के आए थे, लेकिन एक हिरण के बच्चे से अटैच होकर उन्होंने वो लाइफ अपनी वेस्ट कर दी. तो सिमिलरली वेस्ट कर देने के लिए माया देवी बहुत सारे इल्यूजन दे सकती है, वी कैन वेरी इजिली वेस्ट इट, बट वन मस्ट take a constant effort to drive these thoughts away from the mind and diligently follow the rules of Vaishnava etiquettes. The offense is said to be the root of all other offenses in Anartha. It is called Pramad in Sanskrit. Literally, it means madness, for it is schizophrenic to ask Krishna to appear on one hand and then to ignore him when he comes. That is why Pramad means inattention or indifference as well. Iska arth yahi ki hum log ne Krishna Bhagwan ko swayam bulaya, lekin jab wo aa gaye to hum log ne unki taraf puri tarike se dhyan nahi diya. तो फिर फायदा ही क्या हुआ, हमने कृष्णा को बुलाई क्यों? वो उसी तरीके का सिचुएशन हो गया कि एक बूढ़ी लेडी थी, वो जंगल में जा रही थी और सर पे बहुत ही भारी लकड़ी का बोझ उठाई हुई थी, लकड़ी का गट्ठर, और गलती से क्या हुआ, गट्ठर उनके सर से गिर गया और वो रोने लग गई. तो भगवान स्वयं आ गए, उन्होंने बोला कि क्या हुआ, क्यों रो रही हैं? तो बोले कि ये जो गट्ठर है उठा के मेरे सर पे रख दो. तो जब हम लोग चैंटिंग के समय इन अटेंशन कर रहे हो तो हम लोग सेम ही चीज कर रहे हो, तो भगवान को बुला तो रहे हैं लेकिन हमारा ध्यान किस तरफ है, ऑफिस का क्या होगा, जॉब का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, पत्नी का. एक्चुअली इतना हम लोग समय निकाल सकते हैं, आधे घंटे जितने भी देर हम लोग चैंट कर रहे हैं, ध्यान पूर्वक सिर्फ भगवान का नाम ले, बाकी सारी चीजें हो जाएंगी. बाकी सारी चीजें क्रिएट भी इसीलिए हुई हैं, ऑब्वियसली जो हमारे बच्चे हैं या बॉस हैं या जो भी हैं वो सब भी इसी वजह से इस भौतिक जगत में आ ही गए हैं, क्योंकि बिकॉज दे फेल टू सर्व कृष्णा. अगर हम लोग ये सोच के हमारे बच्चे हैं तो सिर्फ हम लोग उनको भौतिक शरीर के रूप में देख पा रहे हैं, ऑब्वियसली एज ए स्पिरिट, एज ए स्पिरिचुअल लिविंग एंटिटी हम लोग उनको नहीं देख पा रहे, तो हम लोग उन्हें हेल्प भी नहीं कर पाएंगे. अगर हम ये भी सोच रहे हैं मेरी चैंटिंग की वजह से मैं अपने बच्चे का ध्यान नहीं दे पा रहा, तो वो बच्चे का ध्यान वैसे भी 40-50 साल, ऑब्वियसली हमारी 40 साल उम्र हो गई है, मैक्सिमम 30 साल ही हम लोग बच्चे का भी ध्यान दे सकते हैं, फिर वो बच्चे का क्या होगा हमें खुद ही नहीं पता रहेगा, हमें छोड़ के दूसरी जगह बच्चा बनना पड़ेगा. तो हम लोग को समझने की जरूरत है, अगर हम लोग भक्ति करेंगे तो ऑब्वियसली हम लोग उनको भी स्पिरिचुअल लेवल पर देखकर उनको भी हेल्प कर पाएंगे जो भी 30 साल हमारे पास है, अदरवाइज सारा ही पर्पस लॉस्ट हो जाएगा. तो 10 ऑफेंसेस हैं, हम लोग क्विकली कवर करेंगे एक एक करके, सब लोग एक एक डिवोटी एक एक ऑफेंस अगर पढ़ देगा हम लोग कवर कर लेंगे. सो द ऑफेंस अगेंस्ट चैंटिंग द होली नेम आर एज फॉलोस. मीरा मत, यू वांट टू कवर फर्स्ट? हरे कृष्ण प्रभु जी. Okay. To blasphemize the devotees who have dedicated their lives for propagating the holy name of the Lord. तो कई बार क्या होता है कि हम लोग भगवान के ऐसे भक्तों में भी जिन्होंने अपना पूरा जीवन ही भगवान के holy names का प्रचार करने में लगा दिया, उनमें भी त्रुटियां निकाल लेते हैं कि ये भी शायद गलत है. तो अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो then we will not be able to chant the holy names of the Lord. Okay. Second point. कोई भी to consider the names of the demigods like Lord Shiva or Lord Brahma to be equal to or independent of the name Lord Vishnu. हरे कृष्ण प्रभु. हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग. अगर कोई भी ये सोचता है कि अरे सब तो भगवान सेम ही एक ही स्थिति पर हैं, भले वो शिव हो या ब्रह्मा हो, तो भले मैं ओम नमः शिवाय करता हूँ तो भी वही उसका रिजल्ट है, हरे कृष्ण मंत्र करूँ वो तो भी वही रिजल्ट है, तो फिर वो भगवान के नामों के प्रति अपराध कर रहा है, क्योंकि उसको फिर ये पता नहीं है कि भगवान ही इज द सुप्रीम पर्सन, इवन ब्रह्मा इज जस्ट लाइक अस ओनली. अगर हम भी अगर 100 वर्षों तक अपना एकदम ध्यान पूर्वक कार्य करें तो हम लोग ब्रह्मा बन जाएंगे आफ्टर 100 बर्थ्स. तो अगर उनको हम लोग अपने को अगर हम भगवान से इक्वेट कर रहे हैं तो इट्स अपराध. तो दैट इज सेकेंड ऑफेंस. थर्ड ऑफेंस,
to disobey the order of the spiritual master. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. हाँ अभी ये कवर एक माता जी ने कर दिया, आप फोर्थ करिएगा. तो डिसोबे द ऑर्डर ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर. स्पिरिचुअल मास्टर ने बहुत ही आसान सा हम लोग को ऑर्डर दिया है, चैंट 16 राउंड ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र, वेक अप एंड डू द मंगल आरती. तो बहुत ही कम उनके स्पिरिचुअल मास्टर के हमारे पास ऑर्डर है. स्पेसिफिकली स्पिरिचुअल मास्टर पर्सनली हम लोग कोई ऑर्डर देते भी नहीं, बिकॉज दे अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि टू डिसोबे द ऑर्डर ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर. तो कई बार वो कुछ भी ऑर्डर देते भी नहीं कि कहीं डिसोबे करने की वजह से भक्ति में असर ना पड़ जाए. इवन हिजोलिनेस जयपता का स्वामी महाराज के एक पर्सनल सर्वेंट थे, उन्होंने एक लेक्चर में भी ये चीज बताया कि एक बार जयपता स्वामी महाराज कुछ सेशन दे रहे थे, उन्होंने बोला कि प्लीज स्विच ऑन द एसी, और डिवोटी ने बोला नो आई कांट स्विच ऑन द एसी बिकॉज एसी इज नॉट वर्किंग. सो देन अगेन बिटवीन द लेक्चर ही अगेन स्पोक प्लीज डोंट स्विच ऑन द एसी. सो उन्होंने बोला यस आई कैन नॉट स्विच ऑन द एसी. तो उसको नहीं समझ में, लेकिन ही वॉज पर्सनल सर्वेंट और ही कुड अंडरस्टैंड कि उन्होंने पहली बार बोला था स्विच ऑन द एसी, और क्योंकि एसी खराब था तो डिवोटी जो था उसने मना कर दिया नो आई कैन नॉट. तो जस्ट कि डिसोबे द स्पिरिचुअल मास्टर किसी भी लेवल पे हो तो इट्स टेकन इनटू अकाउंट बाय कृष्णा. तो जस्ट टू काउंट्रैक्ट दैट ही अगेन रिपीटेड प्लीज डोंट स्विच ऑन द एसी, इवन दो ही वॉज अवेयर कि हाँ एसी नहीं चल रहा है, ताकि ही ऑल्सो एग्री विद हिम एंड ही विल नॉट गेट दैट ऑफेंस. तो इसीलिए कोई जुलनिस जयपता स्वामी महाराज से पर्सनली भी जाके अगर बोलता है कि अच्छा मेरे लिए क्या ऑर्डर क्या ऑर्डर, ही नेवर से एनीथिंग. व्हाई? बिकॉज इफ ही विल नॉट बी एबल टू फॉलो देन व्हाट विल बी द सिचुएशन. सो फोर्थ इज टू ब्लास्फेम द वैदिक लिटरेचर और लिटरेचर इन परसुएंस ऑफ द वैदिक वर्जन. ओके, और फोर्थ पॉइंट है कि अगर कोई वैदिक लिटरेचर यानी कि अगर हम लोग श्रीमद भागवतम वगैरह पढ़ते हैं तो बहुत बार होता है कि बिवाइल्डर हो सकता है कोई कि अरे कैसे बताए कि और भी ग्रह में जीवन है, ग्रहों में ऐसे ऐसे तरीके का जीवन है, सूर्यदेव हैं, या बहुत सारी चीजें शास्त्रों में हम लोग के समझ से बिल्कुल परे हैं. तो हम लोग ये भी सोचते हैं अरे नहीं सब गलत लिखा हो, लेकिन अगर ऐसा कोई सोच रहा है तो वो जप द्वारा चीजों को देख नहीं पाएगा, क्लैरिटी जो रियल में जो सच्चाई है उसे देख नहीं पाएगा. Fifth point, yeah, Komal Mataji, you want to read, right? Yeah, this Jyoti Mataji. Yeah, Jyoti Mataji. Yes, Mataji. Yeah. To consider the glories of chanting Hare Krishna to be imagination. तो फिफ्थ पॉइंट यानी जो बोला जा रहा है कि सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र के जप करने से भगवान का प्योर लव ऑफ गॉड हेड भगवान से रेसिप्रोकेट कर सकते हैं, भगवान की प्रेजेंस को महसूस कर सकते हैं. अगर कोई ये सोचता है कि अरे ये तो इमेजिनेशन, ये इतना कुछ पॉसिबल नहीं हो सकता, या सारे शास्त्रों का जितना भी ज्ञान है उसके अंदर उसको स्वयं प्राप्त हो जाएगा, अगर वो ऐसा सोच रहा है कि ये इमेजिनेशन है, वो चैंट करेगा तो होली नेम ऑफ द लॉर्ड जो है यानी हरे कृष्ण महामंत्र का कोई भी अगर कुछ और इंटरप्रिटेशन देने लग जाए तो उसका एक ही इंटरप्रिटेशन है, दैट इज ओ एनर्जी ऑफ कृष्णा दैट इज राधा रानी प्लीज एंगेज मी इन सर्विस ऑफ कृष्णा. अगर उसकी जगह कोई और कुछ और बताने लग जाए कि नहीं ये शायद चैंटिंग जो हम लोग कर रहे हैं उससे बहुत ही वेल्थ भी मिल जाएगी हम लोगों को, और जो चैंटिंग कर रहे हैं उससे हमारा सब हमारा जो कारोबार चल रहा है वो भी अच्छा हो जाएगा, अगर ऐसे ऐसे कोई इंटरप्रिटेशन देने लग जाता है तब ठीक हो जाएगी, तो ऑब्वियसली देन वो भगवान के होली नेम्स को मिस इंटरप्रेट करा, तो वो रियल में समझ ही नहीं पाएगा कि किस लिए है भगवान के होली नेम्स, वो मटेरियली ही उसको कैलकुलेट करता रह जाएगा. सो दैट इज आल्सो एन ऑफेंस. सेवेंथ, एनीवन वांट्स टू रीड? टू कमिट सिनफुल एक्टिविटीज ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड. सो अगर कोई ये सोच रहा है कि चैंटिंग के द्वारा ऑब्वियसली उसकी जो भी पाप कर्म होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन अगर चैंटिंग के बाद भी वो डिलिबरेटली उसके बावजूद भी कमिट करता रहता है देन इट इज़ ए होपलेस केस फॉर हिम. तो देन उसको नाम अपराध मतलब देन इट्स ए कंसिडर वेरी ग्रेव ऑफेंस कि वो चैंट भी कर रहा है साथ में वन ऑफ द फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल भी डिलिबरेटली ब्रेक कर रहा है, तो देन ही विल बेसिकली देन उसके लिए बहुत ही समस्या होगी. So one should, when he's chanting, he should not think that because I'm chanting, तो मेरे जो भी पाप हैं, वो धुल जाएंगे. भी अगर थोड़ा कोई मैं तो chant कर ही रहा हूँ, ऐसा अगर विचार रखते हो हम लोग chant करेंगे तो then it is an offense. फिर हम लोग
उस स्टेज पे रह नहीं पाएंगे, विल डेफिनेटली फॉल डाउन फ्रॉम द प्योर चैंटिंग. देन एट्थ पॉइंट, टू कंसिडर चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा वन ऑफ द ऑस्पिशियस रिचुअलिस्टिक एक्टिविटीज ऑफर्ड इन वेदास एज अ फ्रूटिविटी एक्टिविटीज कर्मकांड. अगर कोई ये सोचे कि हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के इससे हम लोग क्या होगा स्वर्ग जा सकते हैं, यार बड़ी पवित्र एक्टिविटी, इससे हमारा सब कुछ अच्छा बना रहेगा, बहुत सब कुछ बढ़िया रहेगा, बदले में हमें कुछ फल प्राप्त होगा, जो हमारी इच्छा हो रही वो हो जाएगा, तो हम लोग समझ सकते हैं कि तब हम लोग भ्रम की सिचुएशन में. ऑब्वियसली इस भौतिक जगत में कुछ अच्छा नहीं हो सकता. जो भी है ऑब्वियसली, जहाँ जब यहाँ पर चार समस्याएं, बर्थ, ओल्ड एज, डिसीज एंड डेथ, फाइनली यानी मृत्यु लोक में अगर खुशी की कामनाएं करना बहुत बड़ी मूर्खता है. तो ये नहीं समझना चाहिए कि चैंटिंग करने से मैं बीमारी नहीं पड़ूंगा, मैं मरूंगा ही नहीं, या ये भी बड़ा एक बहुत ही पवित्र काम है, अगर मैं मरा भी तो स्वर्ग जाऊंगा. इस सब तरीके की धारणा रख के चैंट करने की जरूरत नहीं. चैंटिंग का अर्थ ही होता है कि कृष्णा हमें अपनी सर्विस में एंगेज करें, और डेफिनेटली अगर कोई प्योरली चैंट कर रहा है, ही विल रिटर्न बैक टू कृष्णा, तो एंड ही विल बी सर्टेनली बी एंगेज्ड इन कृष्णा व्हिच इज बियॉन्ड द स्वर्ग लोक एंड ऑल. नाइन्थ पॉइंट, टू इंस्ट्रक्ट अ फेथलेस पर्सन अबाउट द ग्लोरीज ऑफ द होली नेम. तो कई बार जब हम लोग शुरू शुरू में भक्ति में आते हैं हरे कृष्णा, तो हम लोग ऐसा होता है कि सबको बताने लगते हैं, अरे चैंट करो चैंट करो. कितने लोग होते हैं एकदम ही जिनकी बिल्कुल इच्छा नहीं होती है कि वो चैंट करें, और अगर हम लोग उनको फोर्स करें, नहीं तुम भी चैंट करो, चैंटिंग से ये फायदा होता है वो होता है, तो देन वी आर कमिटिंग एन ऑफेंस. अगर हम लोग ऐसा करते हैं देन हमारी चैंटिंग जो है वो रिड्यूस होनी शुरू हो जाएगी, हमारी चैंटिंग खुद सफर हो जाएगी. तो लेकिन कई बार होता है कि प्रीचिंग के लिए हम लोगों को शुरू में पता नहीं होता कौन भक्त बनेगा कौन नहीं बनेगा, हम लोगों को सबको बोलना पड़ता है. लेकिन हम लोगों को खुद भी, इवन कोई प्रीचर भी है तो उसको भी समझ में आता है कि अरे यार मैं फेथलेस पर्सन को इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ. डेफिनेटली उसी समय हम लोगों को उसी समय समझ में आ जाता है कि ही हैज नो फेथ, एंड डेफिनेटली वी गेट द रिएक्शन आउट ऑफ इट, बट कृष्णा इज सो मर्सीफुल कि ही टेक दैट रिएक्शन. बट हाँ, अगर हम लोगों को क्लियरली एकदम पता चल रहा है कि हाँ कोई पर्सन है, उसका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं चैंटिंग में, और उसको हम लोग फोर्स कर रहे हैं, उसको बार बार चैंटिंग की ग्लोरीज बता रहे हैं डेलीबरेटली बार बार, ऑब्वियसली हम लोग जब प्रीच करते हैं तो एक दो बार के बाद जो फेथलेस होता है वो ऐसे ही आना बंद कर देता है, जो फेथफुल होता है वही आता है. लेकिन अगर कोई फेथलेस पर्सन हमारे आसपास ही है और हम डेली जाके उसको बस समझा रहे हैं तुम्हें चैंट करने की जरूरत है, चैंट करने की जरूरत है, और उसका कोई फेथ नहीं है, तो हमारी भक्ति पे असर आएगा. सो दैट शुड बी अवॉइडेड. वन क्वेश्चन हियर, इफ अ मदर टेल्स दैट चाइल्ड इज आल्सो पार्ट ऑफ द ऑफेंस. नहीं, ऑब्वियसली हम लोग सबके लिए चाहते हैं कि अच्छा ही हो, भले वो मदर टेल्स child या फिर maybe wife tell husband or husband tell wife. Actually everyone is free willed person, सबकी अपनी free will है. तो अगर कोई ऐसा हमें लग रहा है, definitely हम लोग सब चाहते हैं कि हमारे जो परिजन है उनके साथ अच्छा ही हो, तो अगर उनको chanting के बारे में directly ना बताएं, उनका जो interest हो, हम लोग उन्हें Krishna की stories से connect कर सकते हैं, बच्चों को stories वगैरह पसंद होती हैं, किसी को प्रसाद के थ्रू हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं कृष्णा से, किसी को बुक्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, बुक्स में भी लोगों का अलग अलग चॉइस होता है, तो श्रील प्रभुपाद ने इतनी बुक्स लिखी हैं कि उनके चॉइस के अकॉर्डिंग हम लोग उनको बुक गिफ्ट कर सकते हैं. तो इस तरीके से उन लोगों को हम लोग इनडायरेक्टली प्रीचिंग कर सकते हैं, तो डायरेक्ट प्रीचिंग करने की जरूरत नहीं है. डायरेक्ट प्रीचिंग ऑब्वियसली हम लोग जब थोड़ा थोड़ा अगर किसी को प्रसाद ही देते रहे, थोड़ा थोड़ा कृष्णा से कनेक्ट करते रहे, तो एक समय आने पर उसको इतना पायस क्रेडिट उसका इकट्ठा हो जाएगा, देन ही विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट कृष्णा. तो मैं आपको बताता हूँ बहुत छोटा सा एग्जांपल कि मेरा बेटा एक्चुअली, बिकॉज वो उसके लिए बहुत ही कॉमन है हरे कृष्ण महामंत्र सुनना, तो जब उसके फ्रेंड भी आते हैं तो वो फ्रेंड्स को भी बोलते हैं तुम लोग चैंट करो, ऑब्वियसली तुम लोगों को पता नहीं तुम्हें चैंट करना बहुत जरूरी है. तो वन टाइम आई सॉ कि वो एक बच्चे को बोल रहा था तुम हरे कृष्ण महामंत्र बोलो, वो उसको बोलता रहा लेकिन वो बच्चा बोल ही नहीं पा रहा था. वो बच्चा बेचारा वो अपनी दलीलें दे रहा था कि नहीं मेरी मम्मी कभी पूजा में मुझे बैठालती नहीं, मुझे मैं बोल ही नहीं सकता हूँ. तो मेरा बेटा फिर जिद करने लगा, अच्छा तुम सिर्फ कृष्णा तो बोल दो. तो वो आधे घंटे उसके पीछे पड़ा रहा, तुम कृष्णा बोल दो. बोला मैं बोल ही नहीं सकता हूँ, मैं बोल ही नहीं पाऊंगा, मैं बोल ही नहीं पा. तो मुझे बाद में सुनाई पड़ा क्या हो रहा है, तो मैं गया, मैंने बोला कि बेटा उसको फोर्स मत करो. ऑब्वियसली द नेम ऑफ कृष्णा इज लाइक कृष्णा हिमसेल्फ, तो विदाउट हैविंग सम पायस क्रेडिट्स ऐसे कोई नहीं बोल सकता है. तो बेटर इज फीड हिम सम प्रसादम और समथिंग लाइक दैट, देन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ही विल बी एबल टू अटर द नेम ऑफ कृष्णा. तो हम लोग अगर ये सोचें, आप ये सोच सकते हैं कि बच्चा भी भगवान का नाम, यानी हम लोग सोच सकते हैं बच्चे ने तो कोई ऐसा गलत कार्य इस जन्म में नहीं किया होगा, लेकिन अगर उसने उसके अंदर उतने पायस क्रेडिट्स नहीं है तो ही कैनॉट बी एबल टू टेक द नेम्स ऑफ कृष्णा. तो हमें फोर्स करने की जरूरत नहीं, वी हैव टू समहाउ बिल्ट
कि कैसे उसके पायस क्रेडिट्स बढ़ जाएं एंड देन ही विल बी एबल टू चैंट द नेम्स ऑफ कृष्णा. इसीलिए जो कार्तिक मास होता है उसमें सब लोगों को मंदिर मंदिर जाके सबको भगवान को एक दिया ऑफर कराया जाता है जस्ट सो दैट दे कैन गेन इनफ पायस क्रेडिट्स दैट दे विल बी एबल टू प्रोग्रेस ऑन द पाथ ऑफ डिवोशनल सर्विस. अदरवाइज इट्स नॉट इजी थिंग इवन टू से वन टाइम द नेम्स ऑफ कृष्णा विद द प्योरिटी. तो बहुत ही मुश्किल है वो. सो टेंथ मेरा माताजी हो पाए आंसर यू राइट. हां क्या प्रभु जी आई एम रीडिंग द 10th सिंस नो वन इज सेइंग टू नॉट हैव कंप्लीट फेथ इन द चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स एंड टू मेंटेन मटेरियल अटैचमेंट्स इवन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग सो मेनी इंस्ट्रक्शंस ऑन दिस मैटर इट इज आल्सो एन ऑफेंस टू चैंट इनअटेंटिवली. तो अगर हम लोग चैंटिंग भी कर रहे हैं साथ में बहुत ही मटेरियली अटैच है तो हमें समझ जाना चाहिए कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है, यानी हम लोग प्रॉपर्ली अटेंटिवली चैंट नहीं कर रहे हैं. क्योंकि अगर कोई भी अटेंटिवली चैंट करेगा तो मटेरियल चीजों से फिर उसका पूरा मन भर जाएगा, उसको किसी भी चीज में बहुत इंटरेस्ट नहीं आएगा. और यही उसका टेस्ट है कि वो कितना ज्यादा मटेरियल कंपनी में उसके बावजूद जाने में इंटरेस्टेड है या कितना वो एकांत ढूंढ रहा है जहां पर वो बैठ के आराम से भगवान की भक्ति कर सके. तो ये टेस्ट है हम लोगों के लिए. अगर हमें लग रहा है नहीं हम अभी भी और ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं मटेरियल चीजों के प्रति तो हम लोग ऑब्वियसली कुछ ना कुछ अपराध कर रहे हैं. सो कंक्लूजन regarding from the positive angle the injection to avoid the 10 offense instruct us to strive for the sublime qualities and realization which protect us from committing these offense then in such a positive frame of mind we can guard against these all offenses this means that the 10 offenses of the chanting of the holy name can easily be given up if we to isme conclusion mein kya bataya ja raha hai ki jaise hum log ko agar koi bole ki bandar ke bare mein mat socho tumhe एक मिनट तक बंदर के बारे में नहीं सोचना तो हमेशा दिमाग कहाँ जाएगा बंदर की तरफ है. तो बोला है कि नेगेटिव चीज की जगह हम लोग ये भी कर सकते हैं कि पॉजिटिव चीजों पर फोकस करें तो अपने आप ही नेगेटिव चीजें दिमाग में नहीं आएंगी. तो पॉजिटिव चीजें क्या है सर्व द होली वैष्णवा एंड नॉट क्रिटिसाइज देम समहाउ और द अदर सर्व द वैष्णवास. सेकंड इज वर्शिप लॉर्ड कृष्णा एज द एब्सोल्यूट सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड कृष्णा को सर्वोच्च स्थान प्रदान करके हम लोग उनकी पूजा करें. थर्ड इज रिस्पेक्ट द स्पिरिचुअल मास्टर हु इनिशिएट्स वन इनटू द होली नेम स्पिरिचुअल मास्टर को पूरी तरीके से रिस्पेक्ट करें जिन्होंने हमें होली नेम्स प्रदान किए हैं. फोर्थ इज टू ग्लोरीफाई द स्क्रिप्चर विच रिवील द ग्लोरीज ऑफ द होली नेम यानी जो श्रीमद् भागवतम वगैरह उनको भी हम लोग पूरी तरीके से उनको श्रद्धा दें उनकी पूजा करें. इवन ये अगर हम लोग देखें तो बहुत ही ऑस्पिशियस मंथ चल रहा है. इवन अगर आज इवन कल तक अगर कोई श्रीमद् भागवतम आई थिंक बुक करता तो उसको डिस्काउंट भी मिलेगा बिकॉज ऑफ द भद्र पूर्णिमा दैट इज डिस्काउंट इज ऑन गोइंग. सो इफ समवन विल have Srimad Bhagavatam at home, he can give proper respect or one can purchase Srimad Bhagavatam and keep it at their home. Agar kisi ko bhi interest hai, they can purchase Srimad Bhagavatam at home for themselves and they can keep at their home. They can start reading it, that is the best worship. Be convinced that the holy name is eternally established in pure transcendence. ये समझने की जरूरत कि होली नेम हमेशा ही प्योर ट्रांसेंडेंस में एस्टेब्लिश है, यानी मटेरियली वो अचीव नहीं किया जा सकता ना रियलाइज किया जा सकता है बियॉन्ड मटेरियल बॉडी और सेंसेस. क्योंकि होली नेम्स जब प्योरली चैंट करते हैं हम लोग तो इट इज रियलाइज बाय आवर सोल विच इज बियॉन्ड दीज मटेरियल सेंसेस और द बॉडली कॉन्सेप्शन. सो एक्सेप्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ होली नेम विच इज गिवन बाय श्रील प्रभुपाद इन द स्क्रिप्चर. जो श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेनेशन बता रहे होली नेम का उसे एक्सेप्ट करना जो स्क्रिप्चर जो बता रहे हैं. रूट आउट द डिजायर फॉर सिनफुल एक्टिविटीज कोई भी पाप करने की प्रवृत्ति को हमें कंट्रोल करना है एंड दैट इज आल्सो पॉसिबल बाय फर्मली एंड जैसे हमने समझा ही है कि द रूट ऑफ ऑल ऑफेंसेस इज इनअटेंटिव चैंटिंग. अटेंटिवली चैंटिंग कर रहे हैं तो सारी सिनफुल डिजायर्स भी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे. गिव अप रिचुअलिस्टिक फ्रूटेटिव एक्टिविटीज अगर हम लोग कुछ ऐसा कर भी रहे हैं दुर्गा जी की भी पूजा भी कर देते हैं शिव जी की भी कुछ कुछ पाने के लिए शनिदेव के मंदिर में जाके तेल भी चढ़ाते हैं तो ये सब चीजें खत्म करने की जरूरत है. रिवील द ग्लोरीज ऑफ द होली नेम ओनली टू द सीरियस डिवोटी अगर कोई लगे थोड़ा सीरियस है भगवान के प्रति उसकी थोड़ी रुचि है तभी होली नेम्स के बारे में बताएं. नहीं तो सिंपल प्रसाद खिला के ठीक है उतना बहुत है. प्रसाद ही अगर उसको आगे खिलाते रहेंगे ऑब्वियसली प्रसाद कोई भी ना नहीं करता. कोई कितना भी भगवान के एंटी हो बड़े से बड़े एथिस्ट लोगों को भी मैंने देखा लेकिन प्रसाद उनको सबको बहुत पसंद आया. तो प्रसाद भी अगर उनको वो प्रसाद की भी तारीफ करते हैं तो दैट इज इक्विवेलेंट टू कि दे आर बेसिकली वो लोग कृष्ण भगवान की तारीफ कर रहे हैं तो उससे भी उनको बेनिफिट मिलेगा. 10 चैंट वेरी डिलीजेंटली एंड फुल्ली सरेंडर ऑन टू द होली नेम बहुत ही ध्यान पूर्वक कैसे भी समय निकाल के चैंट करना और पूरी तरीके से होली नेम्स को सरेंडर करना. दिस इज फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द नेक्टर ऑफ ओशीन ऑफ द होली नेम रूट ऑफ ऑल ऑफेंसेस टू बी इनअटेंटिव. प्रभु जी वन क्वेश्चन बिकॉज़ आई हैव टू लीव ऑन द पॉइंट नंबर 8
That is to give up all ritualistic activities. Mm. But if we do it without any expectation, like because it is part of our tradition to do Ganeshi ya Saraswati ya jinka bhi, matlab Lakshmi Devi, sabka hum log ke ghar pe jagar hai, and we do just normal, like, you know, diya jala ke pranam karna. Is it wrong? Diya jala ke, nahi, koi wrong nahi, but only the consciousness is something that we have to revive. Yani agar Ganesh ji ko bhi hum log pray kar rahe hain, to we have to pray him that, okay, remove all the obstacle on the path of our devotional service. Right. Lakshmi ji ko, Shiv ji ko bhi pray kar rahe hain, to hum log ko pray karna chahiye jis tarike se. If we pray without asking, then it is okay. Yeah, then because, it is okay. Yeah, okay, Prabhu ji, Hare Krishna, thank you. Okay, thank you, Hare Krishna. So, someone can read Preaching is the Essence, and that is the end. Yes, Prabhuji. If a devotee is qualified, sincere, and serious about Krishna consciousness, and if he follows the instruction of a bona fide spiritual master, as Prahlad Maharaj, Maharaja did when preaching the instructions he had received from Narada Muni, his preaching is effective. So, qualification for effective preaching ka matlab ye hai ki और लोग तभी भक्ति कर पाएंगे जब हम लोग खुद भी पूरी तरीके से अपने स्पिरिचुअल मास्टर के इंस्ट्रक्शंस पे हमारी श्रद्धा है, भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा है, और तब हम लोग अगर प्रीच करेंगे देन ओनली वो प्रीचिंग इफेक्टिव होगी. अगर हमें खुद ही भगवान के प्रति ज्यादा श्रद्धा नहीं है, हम खुद ही स्पिरिचुअल मास्टर के प्रति ज्यादा श्रद्धा नहीं है, तो फिर ऑब्वियसली हमारे अंदर श्रद्धा नहीं है, तो हम दूसरों के मन में श्रद्धा कैसे जगा सकते हैं. तो इसीलिए सबसे पहले प्रीचिंग से पहले क्या जरूरी होता है कि बोलते हैं कि दूसरों को डूबने से बचाने से पहले खुद हमें तैरना आना चाहिए. तो वही सेम सिचुएशन है कि पहले हम लोग खुद भक्ति में स्ट्रांग हो जाएंगे तो ऑब्वियसली विद कन्विक्शन वी विल बी एबल टू प्रीच टू अदर्स एंड देन व्हेन देन वी विल बी प्रीचिंग बिकॉज वी हैव रियलाइज द ट्रुथ देन वी कैन गिव देम द राइट डायरेक्शन. अदरवाइज हमें ही आधा आधा संशय है, पता नहीं मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ कि नहीं, पता नहीं कृष्णा है भी कि नहीं है, फाइनली मैं मरूंगा तो पता नहीं मैं फिर से ही जन्म लेना है, तो मैंने इस जन्म में भी इंजॉय नहीं किया और फिर क्या होगा, मैं दूसरों को भी यही रास्ता दिखा रहा हूँ, तो इस तरीके से फिर डाउट रहेगा. क्योंकि खुद अगर आपने कृष्णा रियलाइज कर लिया, दैट इज पॉसिबल इफ यू आर प्रॉपरली फेथफुली चैंटिंग विदाउट एनी ऑफेंसेस, देन यू रियलाइज एवरीथिंग, यू सी थिंग्स फ्रॉम योर ओन आइज, देन यू आर ऑल्सो कॉन्फिडेंट दैट यू आर लीडिंग अदर्स ऑल्सो इन टू द राइट डायरेक्शन. तो इसका अर्थ यही है कि हम लोग खुद भी अपनी भक्ति बहुत अच्छे से करें ताकि वी विल गेट द रियलाइजेशन एंड देन वी कैन बी एबल टू गिव दैट रियलाइजेशन टू अदर. अगर अब किसी का कोई भी क्वेश्चन है, दे कैन रेज इट राइट नाउ. Then, हम लोग फिर ध्यानपूर्वक जप कर सकते हैं आज से स्टार्ट. तो हम लोग का शिक्षा प्रोग्राम अब बहुत ही जल्दी होने वाला है, 11th अक्टूबर को. और शिक्षा का अर्थ ये होता है कि हम लोग खुद कमिटमेंट लेते हैं कि मैं अब से डेली 1 राउंड ऑफ चैंटिंग करूंगा. जो 1 राउंड ऑलरेडी कर रहे हैं वो बोलते हैं कि मैं 4 राउंड करेंगे. तो कमिटमेंट लेने से क्या होता है, इफ यू आर वी आर टेकिंग कमिटमेंट, we get the blessings of Lord and all the senior Vaishnava, then we get a strength to daily chant those many numbers of round. So, इसलिए बहुत ही अच्छा है कि मैंने already form share कर दिए हैं soft copy में. You can just fill that form, you can take a printout of that, या फिर आप लोग एक paper में खुद ही से question copy कर सकते हैं, उसका answer लिख सकते हैं, and then you can just scan it or take a picture of it and then can send back it back to me, and you can get the commitment, and that is a very sure shot way to progress. अगर कोई ये सोच रहा है हमारी चैंटिंग राउंड्स गिरते जा रहे हैं, तो वो बड़े आराम से शिक्षा कमिटमेंट ले सकता है, he will get all the blessings of Lord. कि अगर 4 राउंड उसने फिर लिया है, then automatically Lord will give him some strength so that he can daily chant those many rounds and he can retain at that point. So इसलिए सब लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए. अगर आप लोग फेथफुली चैंट करें, नहीं भी कर पा रहे, then also aspire for it. अगर आप लेंगे तो then you will be able to continue at least that many numbers of round of chanting. So let me know if anyone is interested. Then we'll end the session right now here. Hare Krishna, thanks for your time and your association. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. Thank you, Mataji. Hare Krishna, Prabhuji. Thank you.